हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री एलसी भाई, स्वागत है आपका गुरु नीति की यूनिक सीरीज में। जितेंद्र सर, 61/90 जेनेटिक्स के चार पोर्शन अपन ने देख लिए थे और आज अपना फिफ्थ पोर्शन रहेगा। जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया था, सात पार्ट में, सेवन पार्ट्स में हमने जेनेटिक्स को डिवाइड किया है। स्टार्टिंग में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, फिर मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड बात की, डाईहाइब्रिड से रिलेटेड बात की, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के, डाईहाइब्रिड का एक्सेप्शन जो लिंकेज है उसकी बात आज करेंगे अपन। मोनोहाइब्रिड के जो बने थे, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकी बात अपन ने उस समय करी ली थी, ठीक है। डोमिनेंस की बात आती है तो वो तो मोनोहाइब्रिड अपने आप या डाईहाइब्रिड भी रिप्रेजेंट करता है, उसके एक्सेप्शन जो थे इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस वो अपने देख लिए थे, ठीक है बच्चों। आज अपन बात करेंगे सर मेनली और मेनली लिंकेज के बेसिस पर, इसमें लिंक्ड जीन, अनलिंक्ड जीन कौन सी होती है, सिस या ट्रांस अरेंजमेंट इनका कैसा कहलाता है, या फिर जो लिंकेज मैप है उस लिंकेज मैप को किस प्रकार डिजाइन करते हैं, देखो उन सब के विषय में बात की जाएगी। यानी जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी, उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था ना मॉर्गन वाला, उसके बाद उनके स्टूडेंट ने लिंकेज मैप वगैरह बनाया, बिल्कुल, तो उसके आसपास आज का अपना डिस्कशन, क्यों बिल्कुल। और कुछ एक क्वेश्चन आपको ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के भी इसके साथ में करवा देंगे कि आपकी पुरानी चीजें भी जो है वो रिवाइज होती रहे। तो शुरुआत करें, आइए यतिन सर जी सर चालू करते हैं। ये लीजिए सर, 152 क्वेश्चन हो गए थे, 153 व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन शोज लिंकेज बिहेवियर। तो अपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा लिंकेज के विषय में बच्चों को जो है वो थोड़ा सा बता देते हैं, क्यों जी स्टार्ट करें। तो सुनील जी, लिंकेज के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें जी, तो लिंकेज का मतलब है कि कोई क्रोमोसोम है जी, और उसके ऊपर बच्चों को पता है लोकस के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। तो किसी लोकस के ऊपर जीन ए है जी, और कोई और लोकस है उस पे जीन बी है, एक और जीन अगर अपन ले ले जिसका नाम मान लो जीन सी ले ले, सी ले लिया, तो इसमें जीन ए और बी जो है उसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी लिंकेज वीक है, वीक है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं बच्चों को, फिर जो लिंकेज है वो इनवर्स हो गया डिस्टेंस के, डिस्टेंस बिटवीन जीन, क्यों, दूरी ज्यादा लिंकेज कम, दूरी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, बिल्कुल। तो क्रॉसिंग ओवर तो प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के, लिंकेज इनवर्स हो गया। यानी जैसे सुनील जी ने आपको बताया कि जैसे ए और बी के बीच में दूरी ज्यादा है इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। तो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि दोनों का जीन ए और बी इसके इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, इसी ए का दूसरा एलील स्मॉल है या स्मॉल बी इसका, ठीक है, इनके बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी, ज्यादा होने के डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन जीन, बिल्कुल, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जी, या क्रॉसिंग ओवर है ना, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल। ये तीनों बच्चे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर लिंकेज ज्यादा तो इसका मतलब डिस्टेंस कम है, अगर लिंकेज ज्यादा यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम होगा, बिल्कुल, और लिंकेज ज्यादा इसका मतलब उनके बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये क्लियर करना होगा क्रॉसिंग ओवर के रेस्पेक्ट में ये फैक्टर्स कैसे हैं, और क्रॉसिंग ओवर का फंडा क्लियर है तो फिर उसका इनवर्स किस में कर देना है, लिंकेज में कर देना है, बिल्कुल, क्योंकि लिंकेज ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कम होता है, तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्रॉसिंग ओवर की अगर बात कर लें यतिंद्र सर, बिल्कुल, तो क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के, दूरी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, क्यों जी, और अगर दूरी ज्यादा है तो यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे वो भी ज्यादा बनेंगे, तो क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, या मैं कह दूं रिकॉम्बिनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर या डिस्टेंस, बिल्कुल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेशन, या मैं इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं पेरेंटल कॉम्बिनेशन के रिवर्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहे हैं जी, क्योंकि टोटल 100 है, उस 100 में से कुछ पेरेंटल बनना है, कुछ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है तो कंपैरेटिवली पेरेंटल नो डाउट कम हो जाएगा। और एक चीज की जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस की अपन ने बात की, तो वहां पे मेंडल ने लिंकेज की बात नहीं की, ठीक है, और उन्होंने जो बात की थी जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, इनसे जो गैमेट उन्होंने बताए थे कि कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, तो उन्होंने इन सबको बराबर बताया था 1/4, 1/4, 1/4 यानी 25-25%, बिल्कुल ठीक कहा। तो यहाँ पे सुनील जी कि पेरेंटल टाइप और ये भी पेरेंटल टाइप
और ये है रिकॉम्बिनेंट, तो ये सब बराबर थे ठीक है, लेकिन लिंकेज के केस में ये डिस्टर्ब हो जाता है। जी जी जी। और उस लिंकेज के केस में पेरेंटल टाइप ज्यादा हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट टाइप कम होते हैं, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। इसी बात को ही मैं दूसरे मैनर में भी रिप्रेजेंट करूं तो मेंडल की जो बात थी, मेंडल के अकॉर्डिंग जी जो 100% हैं उनमें पेरेंटल टाइप जो हैं, जो दो पेरेंटल टाइप आए थे, पेरेंटल टाइप कितने दो, ये आए थे 50% और जो रिकॉम्बिनेंट आए हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने आए, दो आए, ये भी कितने आए 50%। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछे कि मेंडल के क्रॉस में ईच पेरेंटल टाइप कितना बनता है, तो दो का 50 बन रहा है तो ईच का 25 बता देना है, और रिकॉम्बिनेंट ईच पूछ ले तो 25 बता देना है। लेकिन लिंकेज के केस में अब क्या हो जाएगा, लिंकेज का केस मैं इधर बता देता हूं। बिल्कुल, अगर ये लिंकेज का केस होगा तो जो पेरेंटल टाइप होगा वो तो दो पेरेंटल टाइप जो है वो ग्रेटर देन 50% बनेंगे। ग्रेटर देन क्यों जी, ग्रेटर देन 50% ये हो जाएगा, सेपरेशन कर देते हैं इसका जी जी। और अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो दो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, लेस देन 50%, तो वो हो जाएंगे लेस देन 50%। ये हो जाएगा भैया जी, लेस देन 50% मतलब ईच रिकॉम्बिनेंट 25 से कम बनेगा, ग्रेटर देन 50% मतलब ईच पेरेंटल 25 से ज्यादा बनेगा। बिल्कुल क्यों, बिल्कुल सही जी। तो यहाँ पे अपन बच्चों को जो समझाना चाह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम पे लीनियर फैशन में जो जीन प्रेजेंट होते हैं जी, वो लिंकेज शो करते हैं, वो लिंकेज शो करते हैं, और अगर ये जीन दूरी पे है तो उनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, और या अलग क्रोमोसोम पे है तो भी होगा, दोनों होना ही होना है। तो ये तो बात की कि लिंकेज क्या है, अब लिंकेज कंप्लीट भी हो सकता है, लिंकेज इनकम्प्लीट भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कंप्लीट लिंकेज है तो इसके लिए जो है ड्रोसोफिला पे मॉर्गन ने जो वर्क किया था जी जी, तो वो जैसे पूछ लेगी कंप्लीट लिंकेज के बारे में इन्होंने बताया, तो इसके लिए मॉर्गन जो है आंसर जा सकता है जी जी, इन्होंने ड्रोसोफिला के रेस्पेक्ट में बात की, ड्रोसोफिला के रेस्पेक्ट में बात की, ड्रोसोफिला में भी मेल, हां मेल में एक तो कंप्लीट और फीमेल में इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, ये बच्चों को याद रखना जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमने लिखा है ना, ये आपने नो डाउट समझ लिया होगा, इसको एक बार नोट डाउन कर ले क्योंकि इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है मिटा दें। इसके बाद कंप्लीट और इनकम्प्लीट की अपन बात कर ले, अब अपन कंप्लीट हो इनकम्प्लीट की बात कर, जैसे इनकम्प्लीट की बात पहले कर ले कि दो जीन जो लिंक तो हैं ठीक है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, है। इसलिए कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उनके बीच में चांस होगा, इसलिए रिकॉम्बिनेंट बनेंगे लेकिन कम बनेंगे, कम बनेंगे। तो इनकम्प्लीट लिंकेज जो है वो बेटसन और पुनेट, क्यों बेटसन, सबसे पहले 1906 में जो है बेटसन एंड पुनेट ने लेथायरस ओडोरेटस या स्वीट पी, जो स्वीट पी अपने कहा था उसमें देखा था। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे दे कि ये जो इनकम्प्लीट लिंकेज है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, तो फिर आंसर भैया ड्रोसोफिला जाएगा, क्यों एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो किसने किया है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी वो सटन और बोवेरी, सटन एंड बोवेरी, और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ड्रोसोफिला पर मॉर्गन ने किया था, इसलिए आपने ये बात बच्चों को बोली है। बिल्कुल। तो सुनील जी, इनकम्प्लीट जो लिंकेज है उसमें भी अपन बच्चों को दो बातें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आगे जो क्वेश्चन है बच्चे जल्दी जल्दी एब्जॉर्व कर पाए, ठीक बात, समझ में उनको आ जाए, ठीक है। उसमें सुनील जी, जीन का जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे बच्चों को अपन बता देते हैं, एक तो था सिस और एक है ट्रांस, या इसी को सुनील जी अपन जो है कपलिंग कह सकते हैं, कपलिंग फेज, हाँ ये कपलिंग फेज कहलाएगी, कपलिंग, और इसको बोल सकते हैं रिपल्शन, रिपल्शन। तो सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जी, और उसके ऊपर जैसे अपन दो पेयर जीन को लें, एक डोमिनेंट है ए और एक है रिसेसिव, उसी का ही ये जैसी एलील है उसी का रिसेसिव, क्योंकि एक जीन के दोनों एलील सेम लोकस पे होते हैं, बिल्कुल आमने सामने, ठीक है। दूसरा जीन और ले लें सुनील जी, ये मान लो कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, ठीक है। तो डोमिनेंट डोमिनेंट एक पर, रिसेसिव एक पर, तो यही अरेंजमेंट क्या है सिस, दो जीन की दो डोमिनेंट एलील एक ही क्रोमोसोम पर पाई जाए और उनकी रिसेसिव फॉर्म जो है अनदर क्रोमोसोम, लेकिन अनदर कौन सा, होमोलोगस, याद रखना क्योंकि लोकस एलील अगर बोल रहे हैं ना इनको, तो लोकस सेम होना जरूरी है, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात आएगी। तो दोनों डोमिनेंट एक पर, दोनों रिसेसिव एक पर, तो ये हो गया सिस। और अगर प्रोग्राम उल्टा बन जाता है, उल्टा बन जाए यानी इस तरीके से
कि ये वही होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, इस पे अगर कैपिटल ए, हाँ, इस पे स्मॉल ए है जी, जो दूसरा जीन है उसकी रिसेसिव स्मॉल बी और उसका डोमिनेंट इस पे, तो डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, ये ट्रांस हो जाएगा रिपल्सन। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, एक क्रोमोसोम पर एक जीन की डोमिनेंट एलील जबकि दूसरी जीन की रिसेसिव एलील हो, और जिसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उस पर पहले वाले की रिसेसिव और दूसरे वाले की डोमिनेंट हो, तो ये अरेंजमेंट जो है ये ट्रांस बन जाता है, यानी जो पैटर्नल और ये वाला मैटर्नल, ये मैटर्नल दोनों पे जो अरेंजमेंट, ठीक है। अब इनके बेसिस पे सुनील जी अपन ये भी बच्चों को यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से जो लेथायरस वाला था उसमें इसके अकॉर्डिंग क्रॉस किया गया, बिल्कुल, और उसमें जो F2 के अंदर जो रेशियो क्रॉस रेशियो क्या आया था वो भी टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात हो रही है यहाँ। हाँ, यानी अगर लिंकेज को फाइंड आउट करना है जी, तो इसके लिए एक होता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में जो है वो टेस्ट क्रॉस किया जाता है जी, लिंकेज है या नहीं उसका पता लग जाता है, ठीक है, तो वो अपन इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं और इसमें भी, ठीक है। तो जैसे पहले अपन सिस के रेस्पेक्ट में अगर बात कर लें कि लेथायरस जो है ये स्वीट पी, उसके अंदर एक पेरेंट ऐसा लिया गया जिसके अंदर ब्लू फ्लावर थे, ठीक है, और लॉन्ग पोलन ग्रेन थे, यानी डोमिनेंट डोमिनेंट जो वो एक पर आ गया, और उसका क्रॉस जो है वो व्हाइट फ्लावर और स्मॉल पोलन पोलन से किया गया, ठीक है। तो जो एफ वन आया ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन जी, क्यों सुने जी, बिल्कुल। अब ये जो एफ वन था इसने गेमेट बनाई, तो इसके अंदर चार टाइप के गेमेट बने जी, जिसमें कैपिटल बी और कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल। लेकिन सुनील जी ये जो इनकम्प्लीट लिंकेज है जो यहाँ पे ये सब बराबर नहीं बनेंगे, जैसा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने बताया था जी, 25% बन रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर ये ज्यादा बनेंगे पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप ज्यादा बनेंगे क्योंकि अरेंजमेंट सिस है जी, और ये रिकॉम्बिनेंट जो कम बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट जो है ये लेस बनेंगे, ये लेस बनेंगे, ठीक है। अब इन्हीं का टेस्ट क्रॉस अगर अपन करें स्मॉल बी और स्मॉल एल से, तो इधर से तो एक ही गेमेट बना, ठीक है, स्मॉल बी और स्मॉल एल, और इधर से चार बने। इनके क्रॉस से जो प्रोजेनी आएगी तो उसको जो है अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 7 1 1 7, ऐसे क्रॉस करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें ये और ये पेरेंटल टाइप होगा, बिल्कुल, ब्लू एंड लॉन्ग, ठीक है, व्हाइट एंड शॉर्ट, ब्लू एंड स्मॉल जी, व्हाइट एंड लॉन्ग, ठीक है, ये पेरेंटल है। तो इसमें ये जो रेशियो आया सुनील जी टेस्ट क्रॉस रेशियो 7 1 1 7, ये चेकरबोर्ड से नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंटली जो है ऐसा क्रिएट किया गया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रेशियो बच्चों को सिस के लिए याद रखना है टेस्ट क्रॉस में जी, कि 7 और 7 जो है पेरेंटल टाइप हो गए, और 1 और 1 रिकॉम्बिनेंट हो गए, रिकॉम्बिनेंट टाइप के, ठीक है जी। तो ये तो हो गया किसके लिए, इनकम्प्लीट में सिस के लिए। इसी तरीके से अपन इसको ट्रांस में भी एक्सप्लेन कर देते, ठीक है, बिल्कुल, रब करना पड़ेगा, इसको रब कर लेते हैं, ये लो जी। अब इसी को अपन अगर ट्रांस के रेस्पेक्ट में देखें तो जैसे ब्लू तो हो गया कलर और शॉर्ट पोलन, ये पोलन हो गए, ठीक है, व्हाइट हो गए फ्लावर जी, और इसी तरीके से व्हाइट और लॉन्ग लॉन्ग हो गया लॉन्ग, अच्छा सॉरी लॉन्ग वन, ये लॉन्ग कैपिटल है जी। तो अब इनके क्रॉस से जो एफ वन आएगा ब्लू एंड लॉन्ग, बिल्कुल, ये एफ वन आ गया जी, और इसके जो गैमेट हैं कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल, और टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो दूसरा जो था वो ये था, दूसरा वाला ये गेमेट उधर स्मॉल बी और स्मॉल एल, ये बन जाएगा, क्यों बच्चों। और अब जैसा पहले में आपने टेस्ट क्रॉस करवाया, अब अपने पास जैसे स्पेस है तो अपन लिख देते हैं, क्यों, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर बात करें यतेंद्र सर, तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ इसको, हाँ जी जी, ये कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये बन जाएगा कैपिटल स्मॉल 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 जी, ये बन जाएगा स्मॉल स्मॉल कैपिटल एल स्मॉल एल, और ये बन जाएगा स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, ये चार टाइप की प्रोजेनी बन जाएगी सुनील जी, ब्लू और लॉन्ग और व्हाइट एंड शॉर्ट, ये तो रिकॉम्बिनेंट हो गए, ये तो रिकॉम्बिनेंट क्योंकि पेरेंट ये है भैया, पेरेंट ब्लू और स्मॉल था जी, तो ब्लू और स्मॉल तो ये रहा, और दूसरा पेरेंट व्हाइट एंड लॉन्ग, व्हाइट एंड लॉन्ग, व्हाइट एंड लॉन्ग, ये इसका मतलब ये दोनों क्या बन गए, ये पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप हो गया, और ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों ये रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप कहला गया जी। इस बार रेशियो चेंज हो जाएगा 1 7 7 और 1, यानी रेशियो को लिखने का जो पैटर्न है वो बदल गया
जी, और बाकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वही है। वो क्यों है? जैसा आपने लास्ट में भी लास्ट जो बिल्कुल एपिसोड था उसमें एक फॉर्मूला डिस्कस किया जी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, बिल्कुल कि टोटल जो रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100, बिल्कुल उसमें जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है वो 12.7 के आसपास होती है। जी जी जी, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दोनों में बराबर है, ठीक है, लेकिन रेशियो को लिखने का पैटर्न जो वो चेंज हो गया। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अपन बच्चों को बता सकते हैं कि टोटल जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दो है जी, जैसे इसमें भी दो थे सिस में भी दो ही थे, सिस में भी दो हैं, और टोटल प्रोजेनी 16 है, 100 का तो ये वाला जो 8 हो गया, 12 पॉइंट समथिंग, ये बिल्कुल बिल्कुल जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाती है, बिल्कुल, और लगभग 12.5 है, हां 12.5, क्योंकि इसको अगर सोल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, 100 बाई कितना करना है, 8 करना है, तो ये कितनी बार चला गया, 12 10 8 को 10 से करें 80, और 96 से गया 12 बार, ठीक है, उसके बाद 4 जीरो बचे तो 8 पंजे 40, तो 12.5, यानी इसका मतलब है कि ये रिकॉम्बिनेंट है ना जी, और इसका मतलब अगर यहाँ पे अपने रिकॉम्बिनेंट लिया है तो 6.25 तो ये है एग्जैक्टली, और 6.25 ये है, और बाकी के बचे हुए शायद 42 समथिंग ऐसा, 42 ऐसे अगर टोटल की अगर बात करें तो ये टोटल तो 12.5 आ रहा है, इसका मतलब बच गया कितना, 87.5 बच गया, 87.5 को बटे दो से करके इन दोनों की हाफ हाफ निकाल सकते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट जो है वो हमेशा कम रहेंगे, चाहे सिस सोचें ट्रांस ट्रांस और पेरेंटल टाइप ज्यादा, बिल्कुल, तो ये अपन ने जितनी भी बात की है ये वाकई का माना है, हां, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप ये याद रख लेना, डायरेक्ट ही याद रख लो क्योंकि हमने डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है, सिस का अरेंजमेंट होगा तो ये बन जाएगा अपना कितना, 7:1:1:7 जी, और अगर ट्रांस की फॉर्म होगी तो 1:7:7:1, ये है टेस्ट क्रॉस रेशियो, टेस्ट क्रॉस रेशियो, और मोनो हाइब्रिड वाला सुनील जी, हाँ बिल्कुल, मोनो हाइब्रिड वाला मेंडेलियन, बिल्कुल बिल्कुल, डाई हाइब्रिड का ये था जी, इस तरीके से 4 टेस्ट क्रॉस रेशियो हुई, 4 टेस्ट क्रॉस रेशियो, तो आपका इनकम्प्लीट लिंकेज से संबंधित हो गया जी, बिल्कुल, और ये अपना मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाला F1 सॉरी मोनो हाइब्रिड और ये वाला डाई हाइब्रिड, तो ये तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड ये तो अपने वहां पर आ गए, लेकिन अब यहाँ एक और चीज बनेगी, ये तो अपने इनकम्प्लीट के लिए बच्चों को बता दिया, अगर बच्चों ये कम्प्लीट होगा ना तो कम्प्लीट लिंकेज के केस में जो अपने को मेंडेलियन रेशियो आ रहे थे वो हाफ हो जाएंगे फिर, क्यों, तो उसके लिए बच्चों को एक बार उसके लिए भी हाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, तो ये कर देते हैं, अगर होगा कंप्लीट लिंकेज जी, कंप्लीट लिंकेज तो मेंडेलियन रेशियो जो है, मेंडेलियन रेशियो बिकम हाफ, क्यों जी, अब बिकम हाफ है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो जैसे मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप की बात कर रहा हूं जी, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप, ठीक है जी, डाईहाइब्रिड का फिनोटाइप जैसे अपना 9331 आता है, तो बिकम हाफ का मतलब है कि जैसे डाईहाइब्रिड है तो वो मोनो की तरह बिहेव करने लग जाएगा, इसका मतलब है डाईहाइब्रिड जो है वो डाईहाइब्रिड रेशियो किसकी तरह आएगा, मोनो की तरह आएगा, बिल्कुल, तो लिंकेज के केस में ये एक बार इसको मिटा दें, लिंकेज के केस में अगर कंप्लीट लिंकेज बता दिया, दो करेक्टर के इनहेरिटेंस की बात कर रहा है, तो वहां पर जो फिनोटाइप आना है वो मेंडल के अकॉर्डिंग तो 9331 आना चाहिए, लेकिन लिंकेज की वजह से वो मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप आ जाएगा फिर, कितना 3:1, फिर ऐसा जीनोटाइप में भी होना चाहिए, ऐसा जीनोटाइप में भी हो जाएगा, यानी 1:1 क्यों जी, तो 122 412 121 जो अपने बोला था डाईहाइब्रिड का जीनो वो कितना हो जाएगा, 1:1 मोनो कितना जाएगा, कंप्लीट अगर लिंकेज है सुनील जी जी, तो ये दोनों जीन कंप्लीटली लिंक्ड है, हाँ। एक पर्सन एक ऑर्गेनिज्म ऐसा और दूसरा ऐसा, बिल्कुल, इसका मतलब है कि यहाँ से गैमेट जो बना कैपिटल ए कैपिटल बी, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे ए और बी पास पास में तो एक साथ गए, ठीक है, ये वाला भी स्मॉल है, स्मॉल, इसका मतलब है F1 जो था वैसा बना, और कंप्लीट लिंकेज है इसका मतलब अब n की पावर 2 तो है लेकिन गैमेट 4 नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे कंप्लीट लिंकेज है, तो एक गैमेट तो इसमें ये बना AB और एक गैमेट बना स्मॉल ए स्मॉल बी, और अगर इसका अब अपन अगर टेस्ट क्रॉस कर दें, हां स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी से भी एक गैमेट बना, ठीक है, यानी अब अगर इसको फर्टिलाइज करेंगे तो 1:1 फिनोटाइप भी और जीनोम, तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि कंप्लीट लिंकेज होगा
तो किसकी तरह बिहेव करेगा, मोनो की तरह बिहेव करेगा, डाईहाइब्रिड मोनो की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो अपना कितना आ रहा था, 1:1:1:1, और ये कहता है कि डाईहाइब्रिड प्लांट है, उसका अपने क्या है कंप्लीट लिंकेज पाया जा रहा है, तो बताइए उसका टेस्ट क्रॉस करवाने पर रेशियो कितना आएगा, सीधी सी बात है मोनो की तरह आएगा। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो बच्चों को फिर 5 याद रख सकते हैं, एक तो इनकंप्लीट में सिसोट्रांस, एक मोनो डाई हाइब्रिड वाला मेंडेलियन वाला, और एक कंप्लीट वाला, एक एक ये वाला कंप्लीट लिंकेज में वो डाई हाइब्रिड का रेशियो मोनो की तरह हो जाएगा 1:2। लगे आते एक चीज अगर और की कि अगर इसमें सेल्फिंग करें हां तो फिर क्या, क्यों बिल्कुल बिल्कुल इसको एक बार कर देता हूं, वो चीज भी बता देते हैं बच्चों को कलर चेंज करते हुए। ये लो जी, तो अब अगर इसके अंदर सेल्फिंग की जाए तो दोनों इंडिविजुअल ऐसे होंगे बिल्कुल, एक एमिट तो ये था और एक ये, और ऐसा ही फिर इधर भी बिल्कुल, और ये इसका मतलब है कि चार जो जायगोट बने उसमें एक जायगोट ये और सारे डोमिनेंट, एक ये हेट्रो और ये भी हेट्रो और ये सारे होमोजाइगस, मतलब सुनील जी जीनोटाइप क्या हो गया 1:2:1 और फिनोटाइप इसका 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 तो सेम ही है, सेम है 3:1 तो ये अभी आपने एक्सप्लेन किया था हाँ, कि डाई का आधा हो जाता है वही, हाँ डाई जो है वो मोनो की तरह बिहेव करने लग जाएगा। दो करेक्टर लिए हैं, आना तो क्या चाहिए था फिनो 9:3:3:1 लेकिन आ गया क्या 3:1 यानी उसको आधा, और उसकी अगर बात करें जीनो की तो आना तो क्या चाहिए था 122, 412, 121 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया मोनो का आ गया, जीनोटाइप 1:2:1 आ गया। तो डायरेक्ट याद रखो भैया बटर क्या है इस चीज का, बटर ये है कंप्लीट लिंकेज के केस में जो रेशियो ऑब्टेंड होंगे वो डाईहाइब्रिड के मोनो की तरह ऑब्टेंड होने लग जाएंगे। क्यों अब अपन शुरू करते हैं, क्यों बिल्कुल, तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन शोज लिंकेज बिहेवियर, एक गुच्छा है जीन का और क्लस्टर बाय क्लस्टर है, इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम पर पाया जा रहा है, सिंपल सी बात है, ये क्या दर्शा रहा है लिंकेज बिहेवियर दर्शा रहा है, डू नॉट शो ए क्रोमोसोम मैप, क्रोमोसोम मैप तो देखो शो हो रहा है ABCD, क्योंकि क्रोमोसोम मैप की डेफिनेशन ही क्या बनती है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ओवर ए क्रोमोसोम, ये क्या कहलाते हैं, तो ये तो शो करेगा इसके अंदर गड़बड़ हो गई, सो रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द मियोसिस, अगर लिंकेज दर्शा रहा है तो शो रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द मियोसिस, नहीं लिंकेज है तो फिर रिकॉम्बिनेशन जो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा और भी देख लेते हैं आगे, बिल्कुल Do not show independent assortment. Linkage है तो independent assortment नहीं दर्शाएगा, तो ये सही है क्यों? Induce cell division पे इसका linkage का कोई effect नहीं, effect नहीं, बिल्कुल तो cell cycle के protein regulate करता है, जी जी, इसमें perfect synergy third जाना चाहिए, तो third जाना चाहिए, तो यहाँ से एक चीज और भी आ गई, अगर वो बात कर गए ना linkage की, इसका मतलब आपको अप्रोच करना है कंप्लीट लिंकेज, हाँ अब इसमें दिया नहीं तो ये कंप्लीट लिंकेज मान के कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट होता तो फिर ये हो जाता, उसमें हो सकता था क्योंकि उसमें कुछ जो है वो रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं, जैसे मैंने कहा था ईच रिकॉम्बिनेंट इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में 25 से कम बनता है या 50 से। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ही स्टेटमेंट है तो अब इसको बच्चे कंप्लीट मान करके इसके लिए जा सकते हैं, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रोच हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 154। ओके अब सुनील जी इसके अंदर जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसको रिप्रेजेंट किया है जी, कि मदर से कोई करैक्टर सन में जा रहा है, सन में जा रहा है, फादर से कोई करैक्टर डॉटर में जा रहा है, यानी क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, या इसको जिगजैग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, और ये एलोसोमल है, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, कि जैसे मदर के अंदर एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है ना जी, तो जैसे मदर से एक्स सन में जाता है, बिल्कुल, तो वो एक्स इधर मूव कर गया तो वो जो करेक्टर है हीमोफीलिया वाला सन में आ गया, ठीक है, या अगर फादर के अंदर कोई डिजीज है और हीमोफीलिया वाली तो एक्स तो डॉटर में जाएगा, डॉटर में तो जाएगा, एक्स इधर मूव कर रहा है, यानी ये हमें देखना कि इसमें एक्स लिंक्ड करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, बिल्कुल, और ऐसे ही अगर यतिंद्र सर जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन, तो ये तो मदर होती और ये फादर हो जाता जी, जी। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जैसे एलील ये पाई जा रही है इसके पास में, इसके पास ये पाई जा रही है, तो सीधी सी बात है ये फादर एक्स ही किसको देगा, ये एक्स ही जो है वो डॉटर को ही देगा जी, जी। और यहाँ से ये एक्स ही सन को भी जा सकता है, डॉटर को भी, प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें अपने को देखना है कि एक्स लिंक्ड एक तो हीमोफीलिया भी है और कलर ब्लाइंडनेस भी है, तो आंसर जो अपना 4 चला जाए, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि फिनाइल केटोन्यूरिया ऑटोसोमल हो गया, अगर हाँ अगर यही चीज ऐसे हो जाती यस तो फिर आंसर 3 होता, हाँ तो फिर 3 हो जाता, क्योंकि फिर पूछ रहे थे कि ना पैटर्न ये भी है कि ऑटोसोमल वाला करेक्टर जो है वो डॉटर में भी जा सकता है, सन में भी जा सकता है, फादर में अगर है तो डॉटर में भी और सन में, जैसे PKU के लिए अगर अपन लोग बात करते हैं, बिल्कुल कि ऑटोसोमल रिसेसिव हो गए,
कैपिटल पी, क्यों? और यहाँ पे स्मॉल पी, स्मॉल पी, फिनोलिटोन्यूरिया की दोनों एलील जो है एंजाइम वाले वो रिसेसिव है, तो वो क्रोमोसोम से इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता, और अगर मदर में तो कैपिटल पी इसमें भी या स्मॉल पी इसमें भी या स्मॉल पी इसमें भी और इसमें भी, तो ये ऑटोसोमल के लिए, अगर केवल ये है तो वह लोग बिल्कुल ठीक है जी। क्यों चले आगे 155 ड्रोसोफिला वाज यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल बिकॉज मटेरियल के रूप में इसको काम में लिया गया, तो ड्रोसोफिला के लिए कुछ एक थ्योरेटिकल पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। एक तो ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो काम में लिए गए हैं, जैसे मेंडल ने मटर काम में लिया था, ये इधर ड्रोसोफिला काम में लिया जा रहा है, तो इनका लाइफ स्पान शॉर्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात, सबसे इंपॉर्टेंट था कि जल्दी रिजल्ट मिले, जल्दी रिजल्ट मिले। नंबर ऑफ प्रोजेनी जो ऑब्टेंड होती हैं वो वेरी हाई होती हैं, वो भी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की फिर कभी कमी आई नहीं थी मेंडल को, तो सैंपल साइज लार्ज हो जाता है, सैंपल साइज लार्ज हो जाता है, जो फाइनल डेटा का एनालिसिस है जी जल्दी आदमी जो है वो लार्ज सैंपल की वजह से बिल्कुल बिल्कुल जाता है। मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर होते हैं वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इसका मतलब है आप केवल एक करेक्टर को लेकर नहीं बहुत सारे करेक्टर को लेकर बात कर सकते हो आप, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मेल और फीमेल को इजीली मॉर्फोलॉजिकली देखकर अपन पहचान सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 पेयर है, हां, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर ज्यादा होंगे तो फिर उतनी ही डिफिकल्टी अपने को ऑब्टेन होती है, माइक्रोस्कोप से भी इनकी जो फीचर्स हैं उनका एनालिसिस किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है, सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे कल्चर किया जा सकता है, हां इजीली इनको ग्रोन किया जा सकता है, इजीली इनको जो है ऑब्टेन किया जा सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इनको रीयर्ड करने में। और अपने बात भी की थी कि मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए जी इस पे वर्क किया था, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में काम में लिया गया, क्यों? It cannot be reared and breed under the lab condition. बिल्कुल ये cannot नहीं, यहाँ पर easily reared और breed किया जाता है, और वो एक glass की bottle में भी इनको yeast culture जो है उसको लेकर ये breed कर सकते हैं। A single mating produce very few नहीं, very large offspring, तो number of experimental material ज़्यादा हो जाएगा। It has high number of morphological similar chromosome. नहीं, chromosome high नहीं है, वो 4 pair ही है। बिल्कुल, तो 2n बराबर यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा, 2n डिप्लॉयड कंडीशन 8 हो जाएगी। इट हैज ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, बिल्कुल ये बात करेक्ट है, 2 वीक ना, 2 वीक जी, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट 156, हु कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड, ना अभी भी बात भी की थी कि क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूव करने के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। नेक्स्ट 157, Find the odd one with respect to complete linkage. अभी आपको बता दिया complete linkage होगा तो recombinant नहीं बनेगा भैया, totally 100% कैसे बनेंगे, parental type बनेंगे, 100% parental combination in F2 generation, बिल्कुल ठीक बात है। F2 phenotypic ratio is 3:1 in dihybrid cross, complete linkage है तो F2 का phenotypic ratio dihybrid का 9331 आना चाहिए, लेकिन complete के कारण mono की तरह आएगा, 3:1 आएगा, ये ठीक है, लेकिन अपने को odd one देखना है, wrong देखना है। Dihybrid test cross ratio 1:1, dihybrid का Mendelian test cross 1:1:1:1 आया था, लेकिन complete के कारण वो mono की तरह हो जाएगा, तो ये 1:1 बिल्कुल ठीक बात है। ये तीनों ही अपन ने अभी भी discuss किए थे। हाँ बिल्कुल, तो linked gene tend to separate frequently, नहीं linked gene तो हमेशा साथ ही जाएंगी, अलगे नहीं होंगी, crossing और नहीं होगा, और इसका explanation आप पीछे देख सकते हो वीडियो को back करके, बिल्कुल बिल्कुल इधर discuss किया जी, तो odd one ये हो जाएगा इसके लिए। चले आगे नेक्स्ट 158, द कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल हेटरोजाइगस फॉर 2 पेयर ऑफ लिंक्ड जीन है ना, ठीक है ये वाला जी, ये वाला दिया भी, व्हिच इज द 2 डोमिनेंट जीन ऑन 1 होमोलोगस क्रोमोसोम एंड 2 रिसेसिव ऑन अनदर, है ना, अनदर, इस तरीके से कि कैपिटल और कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, इसके लिए क्या है कि इट इज सेड टू बी, तो सिस अरेंजमेंट हो गया, सिस अरेंजमेंट, दोनों डोमिनेंट, दो जीन की दोनों डोमिनेंट एलील एक क्रोमोसोम पर और अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम पर इनकी रिसेसिव फॉर्म, ये सिस अरेंजमेंट या फिर कपलिंग, कपलिंग फेज, कपलिंग स्टेट भी कह सकते हैं इसको जी। 159, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रख लें, लिंकेज ग्रुप इज इक्वल्स टू हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है, या जीनोम, या जीनोम कह सकते हैं इसको, क्यों? और तो फिर जैसे ह्यूमन में अपन बात कर लें, अब ह्यूमन में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फीमेल में अगर मैं बात कर लूं योगेंद्र सर, तो फीमेल में तो क्या होता है 44 प्लस XX कंडीशन होती है, बिल्कुल, इसकी हैप्लोइड फॉर्म कितने बन जाएगी 22 और इसकी हैप्लोइड फॉर्म एक X बन जाएगी, इसका मतलब डिसिमिलर नहीं है XX क्रोमोसोम एलोसोम, तो ये कितना हो गया 22 प्लस X 23, तो फीमेल के केस में तो
कितना आता है लिंकेज ग्रुप 23। लेकिन अगर यही बात अपन किसमें कर लें मेल के केस में, तो मेल के केस में क्या होता है 44 प्लस एक्स और वाई, ये कंडीशन पाई जाती है, ये कंडीशन पाई जाती है, तो इसका हैप्लोइड 22। एक इसमें बन गया x और एक बन गया इसमें y, ये अपना एक लिंकेज ग्रुप है, ये एक सेपरेट लिंकेज ग्रुप है, तो x और y दोनों सेपरेट लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। टोटल कितना हो गया मेल के केस में 24 लिंकेज। 24 अपने से पूछा क्या है ह्यूमन मेल में ही पूछा है, ह्यूमन मेल का मतलब 24 हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट होमोलोगस है जी, और ये कंप्लीट होमोलोगस नहीं है, इसीलिए अलग अलग लिया। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट 160 जी सर, अभी भी बात भी की थी, एक रेशियो दिया 7117 इज लिंकेज रेशियो in case of dihybrid test cross mean that there are na, to iske andar ye jo bahar ki taraf 7 the ye parental type the, theek hai, aur ye recombinant tha, aur ye cis ka tha, ye cis ka kehlaya, iske andar matlab 14 parental aur 2 recombinant, do recombinant, to 7 aur 7 14 to parental ho gaye, ye dono recombinant kehlage, answer apna jo hai kaun sa option number 7 chala jayega, fir bata de ye incomplete ke andar cis ka test cross ratio hai, bilkul bilkul, fir se likh dete hain aapke liye टेस्ट क्रॉस रेशियो किसमें बच्चों इनकम्प्लीट लिंकेज और सिस फेज है ना लिंकेज, और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांस होता तो 1771 बन जाता, यानी ट्रांस अगर होता तो आंसर पे पेरेंटल तो होता कितना पेरेंटल तो दो हो जाता भाई, अगर इस केस में अगर ट्रांस होता तो 7 अंदर आ जाते बिल्कुल, तब भी अगर पैटर्नल होता, लेकिन यही रेशियो जितेंद्र सर अगर ये बोल देता ना तो फिर अपना आंसर 1 चला जाता, इसमें जैसे वैसे पैटर्न चेंज हो गया ना, हाँ। तो पेरेंटल तो अभी वही है चौथा ही, और रिकॉम्बिनेंट आपके ये दो रिकॉम्बिनेंट दो बन गए, बस पैटर्न चेंज हो गया बिल्कुल बिल्कुल। चलें आगे नेक्स्ट 161 फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल मैपिंग की बात हो गई यहाँ पर, और क्रोमोसोमल मैपिंग एक लीनियर अरेंजमेंट जीन का क्रोमोसोम के ऊपर उसे डिनोट हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर इज इंपॉर्टेंट इन लोकेटिंग जीन ऑन क्रोमोसोम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, सही क्रॉसिंग ओवर जरूरी है, ठीक है कि अपने को तो इनकरेक्ट देखना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द जीन, यानी अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो दोनों स्टेटमेंट को देखकर साफ पता लग गया आंसर इन्हीं में से जाना है क्यों, और ये इनवर्सली नहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सीक्वेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन वेरियस जीन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यही क्या कहलाता है ये डेफिनेशन है किसकी जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप यानी अगर कि 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है जी, डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमॉर्गन बिल्कुल या मैप यूनिट, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल्स टू 1 मैप यूनिट, वन मैप यूनिट कह दो या इसको सेंटीमॉर्गन 1 सेंटीमॉर्गन जी, इसमें एम को कैपिटल लेना है आपको वैज्ञानिक का नाम है क्यों जी। नेक्स्ट 162 इन ए डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इफ पेरेंटल टाइप एक्सेड सॉरी द रिकॉम्बिनेंट टाइप अमंग रिजल्ट प्रोजेनी इट इज ड्यू टू लिंकेज कि पेरेंटल टाइप जो ज्यादा ज्यादा हो गया रिकॉम्बिनेंट का, पेरेंटल 50 से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट 50 मेंडल वाला जो था उसमें तो 50 25 25 25 था ना बिल्कुल बिल्कुल, तो सीधा सा लिंकेज हो जाएगा आंसर इसका लिंकेज चला जाएगा। नेक्स्ट 163 डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो विद 82% पेरेंटल टाइप और 18% रिकॉम्बिनेंट टाइप shows that gene have, इसका मतलब है parental ज्यादा recombinant कम, तो अगर complete linkage होता तो 100% parental दे देता बिल्कुल, और यहाँ पर parental ज्यादा और recombinant कम दे दिया incomplete linkage की बात करो, linkage होता ही नहीं तो सारे बराबर होते, तो फिर बराबर हो जाता 50% parental 50% recombinant हो जाता, तो हमें जाना है किसके लिए incomplete linkage क्यों, क्योंकि वो independent assortment अगर होता ये वाला ना जी तब 50-50 तो 50-50 दे। Next 164. In a crossing Drosophila, okay, the heterozygous member with grey body and long wing, यानी ये कोई dominant feature है, ठीक है? And black body and vestigial wing, ये recessive feature है. The progeny had the following ratio. ये recombinant है, क्योंकि grey और vestigial दे दिया, क्यों? और grey and long ये parental type हो गया. ब्लैक एंड लॉन्ग सुनील जी ये आपका रिकॉम्बिनेंट हो गया, और ब्लैक एंड वेस्टिजियल ये पेरेंटल हो गया,
इससे ऊपर से बच्चे देख भी सकते हैं, और सीधा सा भी है कि रिकॉम्बिनेंट कम होते हैं, कम बनेंगे और पेरेंटल ज्यादा। बस इसमें आपको कोई क्रॉसिंग नहीं करवानी है। यतीन्द्र सर, बच्चा इसमें क्या करता है कि उसको क्रॉस का क्रॉस करवाने का इंटरेस्ट डेवलप हो गया, लंबा अब वो क्या करेगा, इनको रखेगा पहले तो इसके बाद उनके क्रॉस करवाएगा, ऐसा नहीं करवाने। ड्रोसोफिला में क्रॉस करवा दिया ना, इसका मतलब है वो लिंकेज की कहानी की बात आ जाएगी यहाँ पर। तो और वो अपने देख लिया कि जो कम बन रहे हैं उनको ऐड कर दो। कम कौन बन रहा है, 24 और 26 बन रहे हैं, यानी 24 और 26 इनकी बात करें तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। टोटल कितना हो गया, 126 और 50 इनको अगर मिलाते हैं तो 300 हो गया। तो अपने को क्या करना है कि फॉर्मूला 50 अपॉन टोटल कितना 300। मैं क्या निकाल रहा हूँ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ, और फ्रीक्वेंसी इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है बच्चों, तो दो बिंदी से दो बिंदी गई और ये इससे लगभग कितना होता है, 17:51 कहलाता है। तो 17 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 17 से थोड़ा सा कम ऑप्शन कौन सा है, 16.7 हो जाएगा। बिल्कुल, इसको अगर कैलकुलेट करके भी निकालोगे तो आप देखें 3 इससे कितनी बार जा रहा है, 1 आ गया ना। हाँ, और फिर 20 हुआ तो 6 आ जाएगा। बिल्कुल, क्यों, तो ये 16.7 इसका करेक्ट आंसर ने जो लिखा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जी अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100 इनटू 100। और अगर यहाँ ये यतीन्द्र सर दे देता कि ये जो जीन पाई जा रही है ये कितनी दूरी पर है एक दूसरे से, तो 1% क्रॉसिंग ओवर बराबर 1 सेंटीमोर्गन, 1 सेंटीमोर्गन, यानी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी सुनी थी, बिल्कुल 16.7, इसका मतलब डिस्टेंस 16.7 सेंटीमोर्गन। बिल्कुल, क्यों ये हो जाएगा जी। नेक्स्ट 16, ऐसे क्वेश्चन अब आगे आने भी वाले आने वाले। इन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर जीन सी एंड डी, सी और डी के लिए सुनिए जी, वो इंडिविजुअल होमोजाइगस है, होमोजाइगस और होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जी, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, ठीक है, यानी सी एंड सी, हां डी और डी, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सी सी डी डी, या अगर ये रिसेसिव है जी तो इसको अपन चलो ये पॉजिटिव डोमिनेंट के लिए प्लस प्लस लिखते हैं, बिल्कुल, इसके लिए अपन माइनस माइनस भी लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन या फिर इसको इसको आपको ये भी लिख कर दे सकता है वो CC/DD, हां ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ऐसे भी, लेकिन डोमिनेंट के लिए प्लस प्लस टर्म यूज करते हैं, ये ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। और जहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वहां आपको पता है कि क्या कहलाता, RR YY, जैसे ये फॉर्म लिखी जा रही थी, ठीक है, यहाँ पर दोनों साथ आने का मतलब है ये एक साथ ही इनहेरिट, यानी ये वाला अरेंजमेंट जी। फिर लिखा है कि इसके लिए जो होमोजाइगस है उसका क्रॉस होता है वाइल्ड टाइप, यानी वाइल्ड टाइप प्लस प्लस कर दो, प्लस 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 या कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी कर सकते हैं, तो इनसे जब क्रॉस होगा तो F1 तो ये आएगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। फिर क्या पूछा है, The appearance of offspring is as follows. ऐसे offspring आ गई इसके क्रॉस से, क्यों? मतलब इनमें जब क्रॉसिंग हुई तो ये तो हो गए आपके पेरेंटल और ये हो गए रिकॉम्बिनेंट, यानी इसके अंदर F2 निकालना है, तो F2 की बात हो रही है जी, 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 बिल्कुल। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन जीन सी एंड डी पूछा है। अब ये इतनी कहानी हमने इसलिए की है क्योंकि आप भी यही कहानी करते हो, बिल्कुल, क्यों जी? तो अपने को डायरेक्ट अप्रोच करना है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, उसने क्या बोल दिया, डिस्टेंस पूछ ली, इसका मतलब क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी निकालनी है अपने को, परसेंटेज सीधा फार्मूला लगाना है। तो पर ये पेरेंट ये रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए, 102 और 98 200, और ये टोटल कितने हैं 2000, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, दो बिंदी से दो गई, एक बिंदी से एक गई, दो से ये 10 बार गया, तो 10 से क्या आ गया, ये 10% आ गया, 1% क्रॉसिंग ओवर 1 सेंटीमोर्गन, 10% 10 मैपिंग जी जी। तो इसमें शुरुआत में बच्चे ऐसे कर सकते हैं, बाकी एक दो बार जब क्वेश्चन कर लेंगे तो प्रैक्टिस से सीधा पता लग गया कि वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर देंगे। पेरेंटल टाइप ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट टाइप कम। नेक्स्ट 166, अज्यूम दैट जीन ए एंड बी आर लिंक्ड है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला है क्या लिंक्ड है, लेकिन इसने कह दिया 40% रिकॉम्बिनेंट है तो पक्की बात है इनकम्प्लीट लिंक है, रिकॉम्बिनेंट 0% कह देता है तो कंप्लीट लिंक हो जाती, और अब ये क्रॉस करवा दिया प्लस प्लस इंडिविजुअल क्रॉस विद रिसेसिव के साथ में, देन टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट इन F1 विल बी, तो कैसा बनेगा टाइप एंड प्रोपोर्शन, ये यतीन्द्र सर ने आपके सामने वही जो इसने बोला है डोमिनेंट का रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवा दिया तो इंडिविजुअल अपने F1 में ये बन गए, अब टाइप ऑफ गैमेट कौन से बनेंगे। ओके, अब सुनील जी देखना कि इसमें अगर गैमेट की अगर अपन बात करें तो प्लस 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 और प्लस स्मॉल बी और प्लस स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल बी, क्यों, बिल्कुल, तो ये तो हो गया पेरेंटल टाइप, और
और ये भी है पेरेंटल टाइप और ये है रिकॉम्बिनेंट टाइप। बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट कितना दिया 40 जी बिल्कुल, इसका मतलब 20 तो है ये हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों और 60 जो बचा उसमें 30 ये 30 ये और 30 ये हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन ने इसमें देखना है। तो प्लस प्लस 30 हो गए जी, ए बी 30 प्लस बी 20 और ए प्लस ये वाला ये ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा ठीक है। इसमें ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन ये तंत्र से लिखा है इसको थोड़ा सा अपन इस प्रकार चेंज कर दें जी जी कि F1 में ये जो बनेंगे तो अपने को पता है इन दोनों की साथ में जाने की एबिलिटी है जी जी, तो ये दोनों साथ जाएंगे। यहाँ से ये दोनों साथ जाने की एबिलिटी है इसका मतलब ये दोनों साथ जाएंगे जी। तो फिर गैमेट कौन से बनेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज है तो सीधी सी बात है अपने को पता है इनकम्प्लीट लिंकेज में गैमेट बनते हैं भैया चार। एक गैमेट तो बना दो ऐसा का ऐसा प्लस प्लस, एक गैमेट बना दो ऐसा का ऐसा और फिर एक गैमेट में प्लस के साथ ए ले लो और एक गैमेट में प्लस के साथ में बी ले लो, ये बन जाएंगे जी। ये दोनों बन गए रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट कितना 40 दिया है इसका मतलब ईच रिकॉम्बिनेंट 20 हो जाएगा और पेरेंटल 100 माइनस 40 कर दो 60 तो ईच पेरेंटल 30 बन जाएगा। और इसको भी वैसे सेल साइकिल से बच्चों का कॉन्सेप्ट सेल डिवीजन भी इसमें बच्चों को पता होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉम्बिनेशन वगैरह कैसे होता है तो उसको भी थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें। हां हां ये तो अपना आंसर हो गया इसका 4 क्यों बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया कि जो रिकॉम्बिनेंट भी बनते हैं और पेरेंटल टाइप जी जी, जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम और उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और ये जो जीन रेप्लिकेशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन उस वजह से ये सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। जैसे कैपिटल ए और ये वाला स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए और इस तरफ जैसे कैपिटल बी कैपिटल बी और ये वाला सुनील जी सॉरी कैपिटल बी बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम जो है वो 50% से थोड़ा सा कम होता है ठीक है, क्योंकि केवल ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही पार्टिसिपेट करते हैं, ये दो वाले तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे और इनके बीच में जीन का क्या हुआ है एक्सचेंज एक्सचेंज होने के बाद में ये जो जब अलग होगा तो ए बी सुनील जी पेरेंटल टाइप ये वाला बिल्कुल और ये वाला पेरेंटल टाइप और ये कैपिटल इधर आ गया ये इधर आ गया जीन का एक्सचेंज हुआ तो एक तो आपका ये वाला क्यों बिल्कुल और एक कैपिटल बी और स्मॉल ए ये वाला तो ये जो है रिकॉम्बिनेंट ये वाले बिल्कुल बिल्कुल क्यों बिल्कुल परफेक्ट क्यों चलते हैं आगे। हां तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी, ये तो होगा जी 167 नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एन इंडिविजुअल इज इक्वल टू अभी बताया था हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे सेकंड तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले आगे 168 द क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी बिटवीन जी जीन ए एंड बी ए एंड सी बी एंड सी 6% 15% एंड 21% है नितिन सर जी। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है सबसे पहले तो दिए हुए को लिख लो जी, क्योंकि वहां पर आप बार बार जाओगे ना तो गड़बड़ करोगे ही करोगे, तो यहाँ पर लिख लो क्योंकि कुछ टाइम नहीं लगेगा इसमें बीसी और इसको रेस्पेक्टिवली कितना दे दिया 6% 15% और उसके बाद 21% क्यों यानी होमोलोगस क्रोमोसोम पे इन जीन के बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है जेनेटिक और ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है जी, इसके अकॉर्डिंग जेनेटिक मैप में जीन का ऑर्डर पूछा क्रोमोसोम बिल्कुल ठीक है और इसको जेनेटिक मैप बनाने का आप मान के चले मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऐसी ही होती है सबसे पहले सबसे बड़े को ले लो सबसे बड़े को फिर छोटा होता है हाँ फिर छोटा तो सबसे बड़े की प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बना दी कैपिटल बी कैपिटल सी और इसको मैंने लिख दिया 21% समझ नहीं 20 सेंटीमोर्गन करना है क्यों हाँ बिल्कुल 20 सेंटीमोर्गन भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद अपने का इससे छोटा कौन है एसी है इसका मतलब सी के साथ में ए का रिलेशनशिप है तो ए या तो यहाँ हो सकता है या अज्यूम करो कि ए यहाँ भी हो सकता है लेकिन अगर ए यहाँ पे हो जाएगा तो ए और बी ए और बी सबसे छोटा कैसे आएगा ये बी तो ए आएगा ये बात गलत होगी तो प्रोबेबिलिटी ये बन गई तो ए और सी के बीच में हमने कितना दे दिया 15 दे दिया तो सिंपल सी बात है ये टोटल 21 था ये 15 आ गया तो बचा हुआ 21 माइनस 15 ही आएगा तो ए और बी जो है वो 6 दिया है बिल्कुल 6 दिया है तो अपनी सीक्वेंस बी ए सी या फिर उल्टा भी बन सकता है सी ए बी ऐसे ही देखना पड़ेगा तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा जी। जितने भी जेनेटिक मैप हैं सबको पहले तो ऐसे लिख लो आप और उसके बाद सबसे पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा तो आंसर आ ही जाएगा। अगर ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का जेनेटिक मैप बन जाता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी फिर चेंज हो सकती है जैसे बोल दिया 50% जी तो फिर उसका मतलब वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे वो अलग अलग उसको लेना ही नहीं है साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको अलग कर देना हाँ उसको अलग कर देना। नेक्स्ट 169
टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 फ्लाई, F1 ये दे रखी है अपने को, प्रोड्यूस द फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग, ये सारे बना रहे हैं, ठीक है बढ़िया आपने। अब डायरेक्ट ये आ जाओ, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, और लिंक्ड जीन में डिस्टेंस पूछ ली, इसका मतलब है परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, और परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन देखते ही पता लग गया कम तो ये है, तो ये कितने हो गए 18, ये टोटल कितना हो गया 100, और मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 गया, कितना आ गया 18%, 1% क्रॉसिंग ओवर बराबर 1 सेंटीमोर्गन, तो 18% क्रॉसिंग ओवर बराबर 18 सेंटीमोर्गन। और इसमें एक प्रश्न और पूछ सकते हैं जी, कि इस पूरे डेटा के अकॉर्डिंग आप ये बताओ कि ये सिस है या ट्रांस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी पूछा इसमें, जैसे ये पेरेंटल ज्यादा है इसका मतलब ये ट्रांस है, क्योंकि एक पॉजिटिव और ये रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव एक साथ जा रही है, और यहाँ पर देखिए रिसेसिव रिसेसिव एक साथ होगी, डोमिनेंट रिसेसिव अगर एक पर जा रही है इसका मतलब ये ट्रांस अरेंजमेंट बन गया, यानी ये पेरेंट ऐसे थे, हाँ, और तभी जो F1 था उनकी जो प्रोजेनी थी वो ये ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये पेरेंटली है, और अरेंजमेंट जो था वो ट्रांस था, ट्रांस था। अगर ये ज्यादा होते और ये कम होते तो अरेंजमेंट सिस होता, सिस हो जाता, एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है आप जी। 170 इन ए फीमेल ड्रोसोफिला द लिंक जीन एग्जिबिट रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, बट सम रिकॉम्बिनेशन डज नॉट अगर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल ड्रोसोफिला, क्योंकि जो मेल ड्रोसोफिला है वो हेट्रो जायगस टाइप का है, सेक्स क्रोमोसोम के लिए एक्स और वाई, यानी वहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा, तो फीमेल में अगर चार गैमेट बन रहे हैं चार टाइप के, उसमें दो ही बनेंगे, हां क्योंकि मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज है, और कंप्लीट लिंकेज भी, और कंप्लीट लिंकेज है, इसका मतलब है जो जीन आपको दिखा रखी है एलीलिक फॉर्म वो एज इट इज जाएंगी, रिकॉम्बिनेंट टाइप उसमें नहीं बनेगा, 100% पेरेंटल टाइप ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेल ड्रोसोफिला यतीन्द्र से जैसी ये बन रहा है अपना, क्यों, तो मेल ड्रोसोफिला के केस में, मैं मेल की बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, तो मेल के केस में यहाँ पर दो ही गैमेट बनेगा, एक तो ये एक ये, तो मेल ड्रोसोफिला में एक गैमेट तो बन गया प्लस प्लस, और एक गैमेट बन गया ए बी, और यही अगर बात कर लेते फीमेल की, तो फीमेल में अपने को पता है कि वो चार बनेंगे इनकम्प्लीट, एक तो ऐसा कैसा लिख दो आप प्लस प्लस, एक ऐसा का ऐसा दूसरे किनारे पर लिख दो ए बी, और एक में प्लस के साथ स्मॉल ए, और एक में प्लस के साथ स्मॉल बी, तो फीमेल ड्रोसोफिला तो बनाएगी चार प्रकार के गैमेट, मेल बनाएगा दो ही प्रकार के गैमेट, ठीक है जी। और ऐसा किसके कारण हो गया, नो क्रॉसिंग ओवर अकर इन मेल ड्रोसोफिला जी, कोई क्रॉसिंग ओवर, जैसे यतीन सर ने वो क्रोमोजोमल थ्योरी का आपको वो डायग्राम बनाया था क्रोमोजोम का, तो उसमें किस प्रकार से इनहेरिटेंस होगा, क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाएगी तो क्या प्रोबेबिलिटी, ये तो गलत ही होगी, हैप्लॉइड होता ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ना, और स्ट्राइल भी नहीं होता है, ये तो ड्रोन उसमें होता है हनीबी के अंदर, हनीबी ड्रोन है ना, और पार्थेनोजेनेसिस का ये है, बिल्कुल। नेक्स्ट 171 मेंडल ऑब्जर्व्ड द सर्टेन कैरेक्टर डिड नॉट असॉल्ट इंडिपेंडेंटली, मेंडल ने ऐसा भी देखा था लेकिन छुपा लिया उन्होंने, एक्सप्रेस नहीं किया इसको, लोगों को दिखाया नहीं, ठीक है, तो मेंडल को ऐसा तो लगा था, लेकिन मेंडल भैया अपने एक्सपेरिमेंट में शुरू से ही लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम में ले रहे थे, तो उन्होंने अगर ऐसा देखा भी था तो सोचा होगा भाई ठीक है होता होगा, लेकिन मेरे तो मैक्सिमम में वो आया है, और मेरे मैक्सिमम में वो आया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रोग्राम बनना चाहिए। लेटर रिसर्च फाउंड इट इज टू बी, तो असॉर्ट आउट नहीं होते हैं, और असॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो ये तो लिंकेज की डेफिनेशन बनती है, इसका मतलब उनमें क्या पाया जा रहा है, लिंकेज पाया जा रहा है, क्यों, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन। रिकॉम्बिनेशन होगा, बिल्कुल इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा, चार बनाएगा और ये दो बनाएगा। अब जो क्रोमोजोम का एक डायग्राम यतीन्द्र सर ने बनाया था, वो यतीन्द्र सर एक बार दोबारा मैं बच्चों को यहाँ पर बना के बता देता हूँ, क्यों, तो ये जो फीमेल है, चलो फीमेल हो चाहे मेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने दो होमोलोगस क्रोमोजोम बना दिए, यहाँ पर कैपिटल ए और क्या पाई जा रही है कैपिटल बी, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है स्मॉल ए और स्मॉल बी फॉर्म मिल रही है, क्यों, और यहाँ पर अगर बात करें तो सिमिलर कंडीशन हो गई, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। अब सेल डिविजन की ही साइकिल के दौरान अब इनमें अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, फीमेल है तो फीमेल में क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा उससे पहले ये रेप्लिकेट भी करेंगे, उससे पहले रेप्लिकेट करेंगे इसका मतलब इस स्टैंड की दो स्टैंड बन जाएंगी, इसकी भी दो स्टैंड बन जाएंगी, और ये दो दो स्टैंड बन गई, अब इन पे लोकेशन देखो आप,
ये कैपिटल ए था तो रेप्लिकेशन हुआ है तो सेम ही तो रहेगा, और यहाँ पर कैपिटल बी है तो ये भी क्या रहेगा, कैपिटल बी। अब दूसरी स्टैंड ये है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इसी का ही तो रेप्लिकेटेड फॉर्म ये है स्मॉल ए स्मॉल बी, क्यों? और ये अपने किसकी बात हो रही है, फीमेल के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ भैया, फीमेल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन मेरे को पता है कि ना तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा ना ही इसमें होगा, तो ए गैमेट तो एज इट इज मेरा ये बन गया, ए गैमेट एज इट इज मेरा ये बन गया। अब ये बीच वाले क्रॉसिंग ओवर करेंगे, बीच वाले कैसे क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तो आप इसको भूल जाओ एक बार, तो ये लो ये हटा दिया मैंने, ये बीच वाले ऐसे क्रॉसिंग ओवर करेंगे, इसको रेड में कर देते हैं दोबारा जो बच्चों को कंफ्यूज नहीं हो, ये स्टैंड थी ये दूसरी ओर चली गई इस प्रकार, ये दूसरी स्टैंड थी इधर आ गई, ठीक है जी। इसका मतलब है यहां पर पाया जा रहा था जो कैपिटल ए, ये रहा कैपिटल ए, इसका नीचे वाला पार्ट कहां चला गया, ऑपोजिट साइड में, ये चला गया कैपिटल बी जी, और यहां पर पाया जा रहा था स्मॉल ए, तो ये कहां आ गया, ऑपोजिट साइड में आ गया, स्मॉल ए के नीचे कौन पाया जा रहा है, स्मॉल बी, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर तो कंप्लीट, ये दोनों टूट जाएंगे जी, कहने का मतलब जो सिनेप्स हुआ था वो सिनेप्स का कनेक्शन टूट जाएगा सेल से, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए, हाँ, तो ये वाली जो फॉर्म है ये तो एक क्रोमोसोम का पार्ट बन गई, तो एक गैमेट ये बन गया और एक गैमेट ये बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, तो इसीलिए हमने कहा था एक दो, दोनों किनारों पर पेरेंटल और बीच में ये दोनों रिकॉम्बिनेंट, और यहां पर डिस्टेंस का मतलब कंप्लीट लिंकेज है, इसलिए दो ही बने, बिल्कुल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, बिल्कुल। और मेल के केस में अगर बात कर ले जैसा आपने बताया है, तो उस केस में ये एक्सचेंज नहीं होंगे, पार्ट एक्सचेंज नहीं होंगे, तो इन दोनों की एक फॉर्म बन जाएगी गैमेट की फॉर्म ए बी फॉर्म, क्यों स्मॉल ए और इन दोनों की एक बन जाएगी स्मॉल ए स्मॉल, ये फर्स्ट आंसर अपना हो जाएगा, क्यों जी। तो फीमेल है चार प्रकार का, मेल है दो प्रकार का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, क्यों। नेक्स्ट 173 क्रॉस है इंडिविजुअल जो होमोजाइगस है इसमें है ना, और वाइल्ड टाइप है ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है, क्रॉस जो है वो इस तरीके से किया गया, ठीक है, एफ वन जो था वो इस टाइप से आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, 1000 में से 700 जो इंडिविजुअल है वो पेरेंटल टाइप के हैं, देन डिस्टेंस यानी रिकॉम्बिनेंट पता 300 गए तो 300 टोटल कितने हैं, 1000 इंटू 100 दो बिंदी से दो गई, एक बिंदी से एक गई, 30% जो है वो अपना परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, 30 मैप यूनिट, और इसको डायरेक्ट 1% क्रॉसिंग ओवर 1 मैप यूनिट, 30% क्रॉसिंग ओवर 30 मैप यूनिट। अब इनको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वही क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जी। 174 इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब एक्सेप्शन बन रहा है मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस का, लिंकेज की बात हो रही है, और लिंकेज की बात है इसका मतलब है जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ना एक ही क्रोमोसोम पर पाई जाएंगी, और अगर होमोलोगस पे भी है तो डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल जी। जीन आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ये परफेक्ट हो जाएगा, ये परफेक्ट हो जाएगा। जीन आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ही नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं, करेक्ट ऑप्शन सेकंड चला जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया, अगर जीन होमोलोगस पे भी है तो हो सकता है डिस्टेंस ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन तो हो ही सकता है, बिल्कुल होमोलोगस पे हो और डिस्टेंस कम हो तब ये आपका लिंक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें जी। 175 जेनेटिक मैप इज वन दैट, जेनेटिक मैप अभी आपको बताया था लीनियर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ओवर ए क्रोमोसोम, ये जेनेटिक मैप कहलाता है। एस्टेब्लिश साइट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, बिल्कुल ये बता रहा है कि ए और ई एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं, ए और बी एक दूसरे के पास पास पाए जा रहे हैं, तो साइट बता रहा है, सही बात है। एस्टेब्लिश द वेरियस स्टेजेज, जीन इवोल्यूशन की कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, सोच दी स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये, तो सेल डिवीजन की स्टेज कब बताता, जब अभी हमने आपको क्रॉसिंग ओवर की स्टेज बताई थी, स्नैप्स बन रहे थे, वो सेल डिवीजन की स्टेजेज है। सोच दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन ए रीजन, ना ये ऐसे ऑप्शन बना दिए गए बना करने की, तो फर्स्ट अपना परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि जेनेटिक मैप की डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट 176 बिल्कुल वही चीज है, दो बैक्टीरियोफेज और उनके अंदर जब रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हुई तो ये कुछ डेटा है जी। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो जेनेटिक मैप जो है वो अपने डिस्कस करना है, बिल्कुल, कि जैसे इसमें क्रॉस हुआ तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, और इनमें हुआ तो ये परसेंटेज आया, और इनमें हुआ तो ये आया, और कैपिटल ए और कैपिटल डी में हुआ तो ये आया, इसी तरीके से
इन सब का वन बाय वन इन सब से हुआ तो ये अलग अलग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले जेनेटिक मैप ये तीन से जैसे बना रहे थे तो उसमें नंबरिंग दे देते हैं अपन। हां नंबरिंग दे, इसको मैं एक नंबर ले लूं, ये फिर दो नंबर ले लूंगा और फिर और उसके बाद ये थ्री ले लेते हैं जी, और ये फोर ले लेते हैं, ये अपना फाइव बन जाएगा और ये अपना सिक्स। इन नंबर को लेने का मतलब हो गया सबसे पहले आपको इसको लेना है, फिर इसको, फिर इसको। तो ये दिन सर सबसे पहले वाला ले लेते हैं। सबसे पहले वाला तो सुनील जी बी और डी हो जाएगा, क्योंकि बी और डी ये जो वैल्यू है ये इधर से तो डी और इधर से बी, तो बी और डी के बीच हो गया जितेंद्र सर, या डी और बी भी कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अपन तो अल्फाबेट के सीक्वेंस में ले रहे हैं। चलो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं अपन। तो ये क्या बन गया अपना 0.38 है, क्यों 0.38 तो फिर दूसरा वाला केस आप देख लेते सी ओ डी। ये तीन सर ये आ गया अपना कितना, सॉरी सी दूसरा अपने को, अच्छा ये डी है अगर ये तीन सर ये 0.3 है और ये टोटल 0.38 है तो सिंपल सी बात है बी और सी के बीच में 0.8 आना चाहिए, यहीं से ही पता लग जाएगा अपने को। तो बी सी के बीच में देखो जरा, बी और सी के बीच 0.8 है, इसका मैं इसको भी काट दूं, इसको काट दूं, इसको काट दूं, तीन तो क्लियर हो गए अपने। क्यों अगला अपने को नंबर थ्री पर ये लेना है, इसका मतलब ए और डी, इसका मतलब ए और डी, तो डी के साथ में ए का रिलेशन ये टोटल 0.3 है लेकिन ए और डी 0.2 है तो नो डाउट यहां पर आना चाहिए, क्यों? और ए और डी कितना आ रहा है 0.2, यतिंद्र सर अगर ये 0.2 आ रहा है, ये टोटल 0.3 है, तो सी और ए के बीच में तो कितना आना चाहिए 0.1 आना चाहिए, सी और ए के बीच में 0.1 है क्या ये राशि, सी और ए ये राशि, हाँ सी और ए 0.1, इसका मतलब ये भी काट दो, ये भी काट दो, ठीक है जी। बचा क्या अपना ए और बी के बीच, बचा ए और बी कहाँ है, ये रहा ए, ए का मतलब 0.1 और ये मतलब 0.8, 1 और 0.8 कितना आता है ए, लगभग 1 हो गया, तो ये और पॉइंट लगभग ये कितना 1 0.18, क्योंकि इनकी टोटलिंग करो ना ये 0.1, ये कितना है 0.8, तो 0.1 और 0.8 ये कितना है 0.08, ये 0.8 हो जाएगा। बी सी के बीच में देखो, देखें बी और सी के बीच में 0.08 है, तो 0.08 और 0.1 ये कितना आ गया, ये सीक्वेंस, इसका मतलब अपनी सीक्वेंस बन के बी सी ए डी, बी सी ए डी कहीं पे है क्या, बी सी या फिर डी ए सी बी, ए सी बी उल्टा भी हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन फोर चला जाए जी, क्यों 1.77 लिंकेज रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिंकेज अगर है तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर लिंकेज ज्यादा तो हाइब्रिड नहीं बनेगी, हाइब्रिड नहीं बनेगी या रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगी, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगी जी, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट लाया, क्यों जी 1.78 ए हीमोफिलिक मैन मैरिज ए नॉर्मल लेडी, सिंपल सी बात है, मैन बोल दिया एक्स वाई ले लिया और कैसा बोल दिया हीमोफिलिक, ये लो हीमोफिलिक बना दिया, मैरी किसके साथ में नॉर्मल लेडी, ये नॉर्मल लेडी ये भी है या कैरियर भी बन सकती है, हुज फादर वाज हीमोफिलिक, इस फीमेल के फादर हीमोफिलिक है, इसका मतलब एक्स एच वाई ये कंडीशन रही होगी, तो फादर ने एक्स एच इसको दिया होगा तो ये कैरियर बनी होगी, क्यों दूसरा इसके पास नॉर्मल है, हाँ इफ इट प्रोड्यूस टू सन एंड टू डॉटर, चार बच्चे हैं इसके, हाउ मेनी ऑफ देम वुड सफर, तो सबसे पहले ये तीन सर मैं बेटियां बना दूं, और बेटियां बनाने के लिए एक्स का इन दोनों एक्स के साथ में, क्यों जी? और बेटियां अगर बनी तो एक्स एच एक्स बना और ये एक्स एच एक्स एच बना, यानी 50% बेटियों में डिजीज है, तो ये हीमोफिलिक और 50% कैरियर, और अगर बेटों की बात करें तो इस वाई का इन दोनों से करवा दें तो ये बन जाएगा एक्स वाई नॉर्मल है और ये बन जाएगा अपना एक्स एच वाई, क्यों यानी 50% सन में डिजीज है, तो टोटल प्रोजेनी में डिजीज पूछता तो 50% प्रोजेनी में, टोटल बेटियों में डिजीज पूछ रहा है तो 50% में हो गई, टोटल सन में अगर पूछ रहा है तो 50% में हो गई, क्यों तो यानी बोथ सन तो होगा ना, मतलब ही नहीं है, बोथ डॉटर भी, डॉटर भी नहीं है, वन सन वन डॉटर कह सकते हैं, हाँ वन सन और वन डॉटर, बोथ सन ये एस नहीं आएगा यहाँ पर, एंड बोथ डॉटर तो चारों तो अफेक्टेड है ही नहीं, करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट 1.79 जी सर, यहाँ पे जो है प्रोसोफिला के रेस्पेक्ट में ही और इसके अंदर जो है डायरेक्ट अप्रोच कर लें, डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं इन टर्म ऑफ क्रॉसओवर यूनिट जी, हाउ फार ए पार्ट डीज टू जीन, दूरी पूछी है उनके बीच, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट तो जो है कम है वो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं और ये पेरेंटल टाइप का, हाँ और 35 और 39 ये तीन सर ऐड करते हैं इनको, बिल्कुल 35 हो गया 39 हो गया
नौ और पांच 14, 14 हो गए, एक ऊपर गया 7, 74 बन गया जी। और टोटल कितना है 66 और 60, 126, 126 और 74, 200। इसका मतलब है ये आ जाएगा 74/200 × 100। अरे बोलो भाई, दो बिंदी से दो बिंदी, ये इससे कितनी बार गया 37, 37। तो अपने आ गया 37%, 1% क्रॉसिंग ओवर 1 सेंटीमोर्गन, 37% क्रॉसिंग ओवर 37 सेंटीमोर्गन। अरे बोलो भाई, चलो आगे 180। जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर ऑफ ड्रोसोफिला इज नॉट सुटेबल फॉर जेनेटिक स्टडी, तो दे कुड नॉट बी ग्रोन, उनको ग्रो किया जा सकता था, ये गलत हो गया। और लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट होता है, दो वे का, ये सही है ना? ये सही है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस फ्यू नहीं, काफी सारे। हाँ, ये वाला गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। दे हैव मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये भी सही है, ठीक है ना? और मेल एंड फीमेल फ्राई आर नॉट इजीली, नहीं, नो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है बिल्कुल, इसमें अपने को नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल पूछा है, रॉन्ग बताना है, रॉन्ग बताना, रॉन्ग बताना है। इसका मतलब ए हो गया, ए सी सी और ई ई, ए सी ई का मतलब ऑप्शन नंबर 4 चला जाए, 4 चला जाए। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज की सारी महाभारत है भैया, बिल्कुल ठीक है, नॉट वाला ये जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट 181, ए 50% फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब है कि वो अलग-अलग क्रोमोसोम पे, अलग-अलग पे है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो रहा है, लिंकेज नहीं पाया जा रहा है उनमें, ठीक है। टू जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, सही बात है। ऑफस्प्रिंग हैव कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट दैट मैच वन ऑफ द, दोनों को मैच करेंगे, दोनों को मैच करेंगे, दोनों पेरेंट में जो है दोनों के करेक्टर प्रोजेनी, हां दोनों को मैच करेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज हिंडर्ड, नहीं होगा इसमें, तो होगा, होगा तो ये बात नहीं होगी, ठीक है जी। एबनॉर्मल मियोसिस अकर्ड, नहीं ये बात भी क्या हो गई अपने, गलत हो, ये तो इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अपना करेक्ट कौन सा जा रहा है, 50% फ्रीक्वेंसी लोकेटेड ऑन डिफरेंट, ये अपना वैसे पहले ही गलत बता दिया, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 182। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सुनील जी, एनसीईआरटी का ही, जिसके अंदर दो क्रॉस किए गए, बिल्कुल किया, एक में आई कलर और बॉडी कलर के लिए, आई और बॉडी जी है, कलर के लिए, ठीक है। और एक जो क्रॉस है दूसरा सुनील जी, वो बॉडी कलर और विंग शेप के लिए, बॉडी कलर और विंग शेप, एंड विंग शेप जी, ठीक है। तो जैसे उधर अगर अपन देखें तो रेड आई, रेड आई एंड ब्राउन बॉडी कलर डोमिनेंट है जी, और व्हाइट आई एंड आपकी जो बॉडी कलर के रेस्पेक्ट में येलो बॉडी कलर, तो वो रिसेसिव, वो रिसेसिव, और इनमें जब क्रॉस होगा तो लास्ट में ओवरऑल जो F2 में रिजल्ट है वो डायरेक्ट लिख देते हैं, वो डायरेक्ट लिख देते हैं, उसमें क्वेश्चन, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहां जो बनेगा ये बन जाएगा 98.37% और रिकॉम्बिनेंट जो बनेगा वो 100 में से माइनस कर दो 1.3% बन जाएगा, यानी अगर पेरेंटल इतना हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट कम बन रहे हैं, यानी इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट कम बनने का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि इसका रिकॉम्बिनेंट इससे कंपेयर करेंगे अपन जी, और यहाँ अगर कंपेयर करते हैं तो पेरेंटल टाइप यहाँ पर बन जाएगा 62.8% जी जी, और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो बन जाएगा 37.2%। तो रिकॉम्बिनेंट कौन से में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट इसमें ज्यादा है, इसका मतलब दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा मतलब लूजली लिंक्ड है, ड्रोसोफिला है, इसका मतलब लिंकेज तो है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, बॉडी कलर और विंग शेप के जो जीन है वो क्रोमोसोम पर दूर दूर है, दूरी पर पाए जा रहे हैं, ये वाले क्रोमोसोम उसके ऊपर पास में, ये एनसीईआरटी में डायग्राम में शो, बिल्कुल ठीक है। तो ड्रोसोफिला में जीन फॉर व्हाइट एंड येलो की बात कर रहा है, तो रिसेसिव कलर इसमें बात कर रहा है, तो ये तो कितना बनेगा, रिकॉम्बिनेशन पूछ रहे थे, ये हो जाएगा 1.3 रिकॉम्बिनेशन, एंड जीन व्हाइट एंड मिनिएचर विंग यहां पर आ जाएगा, लिंकेज पूछ रहे सुनील जी, तो लिंकेज तो फिर आपका 62, बिल्कुल लिंकेज 62.8 हो गया, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट ये है, हां तो बी में आंसर जाना चाहिए 62.8। ये याद रखना भैया, यहां तो रिकॉम्बिनेशन बताना है, दूसरे वाले में लिंकेज बताना है, रिकॉम्बिनेशन 1.3 बताना है, दूसरे में लिंकेज है, ये पेरेंटल वाला बताना है आपको, क्यों, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन अपना अप्रोच हो जाएगा कौन सा, 4.3 और 62.8, ऑप्शन नंबर 4 चला गया, क्यों जी। हां तो अगले क्वेश्चन पे मूव करें जी, क्वेश्चन नंबर 183, इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए बी जीन 20 दे दी जी, बी सी 40 दे दी, इंटरफेरेंस भी दे दिया अगले ने, इन केस ऑफ डबल क्रॉसओवर
कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस अपने पूछ लिया, मतलब कि इंटरफेरेंस एक बाधा है जो डबल क्रॉस ओवर जो रोकती है, उनको रोकती है, उनको रोकती है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले मैं दो फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? वो देखिए आप, सीओसी, सीओसी कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस बिल्कुल इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉस ओवर जी अपॉन एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर, बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है? इससे तो अपने सीओसी निकालते हैं। अब इंटरफेरेंस अपने को पूछता है, तो इंटरफेरेंस अपना बनता है 1 माइनस सीओसी, ठीक है? अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं कि एक क्रॉस ओवर करवाया गया, अपने को क्या देगा क्वेश्चन में, एक क्रॉसिंग ओवर हुई, ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर उसमें अपने को ऑब्टेंड हुआ है कितना, 6 हुआ जी, एक्सपेक्टेड जो है वो 8 है। याद रखना है इसको, अगर लिंकेज है, इंटरफेरेंस की बात हो रही है, लिंकेज पाए जा रहे हैं, तो जो एक्सपेक्टेड होंगे वो तो ज्यादा होती हैं और ऑब्जर्व लिंकेज की वजह से कम हो जाते हैं, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगी, क्यों? यानी इसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी है तो 10 ले लेते हैं इसको, हाँ, इसको चलो सपोज ये 10 से निकाला, 10 तो इजी कर लेते हैं इसको, ये 10 ले लिया, यानी 10 एक्सपेक्टेड थे, 10 जगह पे डबल क्रॉसओवर हो आना चाहिए था लेकिन हुए 6 ही, हुए 6 इंटरफेरेंस आ गई बात आ गई, क्यों? या इसको अपन ये भी कह सकते हैं, अगर क्रॉसिंग ओवर, दो क्रॉसिंग ओवर पास पास होती है ना, तो वो हिंडर कर देती है दूसरी साइड वाली, बिल्कुल, क्यों जी? तो ये वैल्यू अपनी आ गई 0.6, तो अपना 0.6 सीओसी आ गया जी, और ये दोनों वैल्यू देगा और आपसे पूछेगा इंटरफेरेंस बताओ, यानी तो आपने क्या कर दिया, सोनी तीर 6 ही हुई, हाँ, तो बताओ इंटरफेरेंस कितनी, हाँ, तो सीओसी निकाल ली, अब 1 माइनस 0.6 कर दो कितना आ जाएगा 0.4, ये तो बनता है एक क्वेश्चन, 0.4 इंटरफेरेंस या 40% इंटरफेरेंस, हाँ बिल्कुल 0.4 कह दें या मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से 40% इंटरफेरेंस हो जी जी। अब इसने क्या कह दिया, ए बी के ये है और अपने सीओसी पूछ लिया, और अपने को पता है सीओसी होता क्या है, सीओसी इंटरफेरेंस इक्वल टू 1 माइनस सीओसी होता है जी जी। तो आपको यहाँ अप्रोच करना ही नहीं है, छोड़ो ना ये सारी बातें, क्योंकि अपने को इंटरफेरेंस निकाल के अगले ने दे रखा है, इंटरफेरेंस कितना बता रखा है 30% या 0.3 भी कह सकते हैं, इसका मतलब 0.3 मेरे को दे रखा है यतिंद्र सर, और 1 माइनस सीओसी होता है, इसको मतलब सीओसी इधर आ जाए तो ये इधर आ जाएगा, साइन में कोई चेंज होना नहीं है, तो सीओसी मेरा कितना हो गया 1 माइनस 0.3, और 1 माइनस 0.3 0.7 आ गया, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर 4 आ गया, ठीक है? दोनों को निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो ये फॉर्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको अलग से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 जी सर, The linkage map of X chromosome of fruit fly, इसमें 56 यूनिट दिया है, ठीक है? Yellow with yellow body gene Y and at one end and bobbed hair, है ना? घुंघराले बाल जी। The recombination frequency between these two gene should be, recombination frequency पूछी इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया ना ये तो सर, linkage map of X chromosome of fruit fly 56 यूनिट, इसका मतलब दूरी दे रखी है बहुत ज्यादा है ना, और सबसे अलग अलग क्रोमोसोम, और 56 यूनिट दे रखी है, इसका मतलब है अपना रिकॉम्बिनेंट जो आ रहा है वो क्या, हाँ, या तो 50 या उससे कम आएगा, कम आएगा बिल्कुल, 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब ही नहीं है जी। तो ये अपना ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 185 If two genes show 50% recombination frequency, which of the following is not possible? यानी 50% अगर हो रहा है तो हो सकता है वो independent assortment है, अलग-अलग chromosome पे हो, अलग-अलग chromosome, एक ही chromosome पे दूरी पर हो, दूरी पे हो, जिसमें linkage नहीं है, क्यों? तो not possible पूछा सुनील जी, तो the gene may be on different chromosome, ये possible है, possible है, the gene show independent assortment, possible है, नहीं होगा, tightly linked नहीं होगा, tightly linked होंगी तो 100% parental ही बनेगा, कौन से रिकॉम्बिनेंट की बात करते हो, क्यों? तो ये वाला, ये इफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, यानी पैटर्नल हो सकता है या मैटर्नल हो सकता है, अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर इन एवरी म्यूटेशन, क्योंकि डिस्टेंस हो जाता है, ज्यादा है, यानी इस तरीके से तो हो सकता है एक बार क्रॉसिंग ओवर और फिर एक बार दोबारा, बिल्कुल डबल क्रॉस, डबल क्रॉसिंग ओवर जी। तो करेक्ट ऑप्शन अपना नोट पूछा है, अच्छा नोट पूछा, तो थर्ड 186 If there is complete linkage in F2 generation, complete linkage है, इसका मतलब ड्रोसोफिला का केस, मेल ड्रोसोफिला का केस, दो ही प्रकार के गैमेट बनते हैं, ठीक है? और टोटल पेरेंटल टाइप बनेगा, रिकॉम्बिनेंट है, जीरो बनेगा, यानी सुनील जी यही वाली है ना, या तो एक तो ये, हाँ, और एक ये, एक ये केस जो पेरेंट थे वो ऐसे थे,
बिल्कुल, और स्मॉल है स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल बी, तो देयर विल बी ओनली पेरेंटल टाइप, ओनली पेरेंटल टाइप, बिल्कुल ठीक बात है। पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट अपीयरिंग इक्वल, नहीं भैया रिकॉम्बिनेंट तो बने ही नहीं, बिल्कुल नहीं बने, रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन पेरेंटल टाइप, मतलब ही नहीं है, ये सारी बात ही नहीं चलेगी, बात ही खत्म होगी, कंप्लीट लिंकेज दे दिया तो सारा 100% पेरेंटल। 187 जी, यहां पे कुछ जीन दिए सुनील जी, और ये शायद क्वेश्चन वही क्रोमोसोम मैप वाला ही है, मैप वाला है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी और ऑर्डर, तो सबसे बढ़िया साधन क्या है ये इंद्र सर, इसको मैं 1 कह दूं, 1 कह दूं, ठीक है, इसके बाद 2 किसको कह दें, जीन ई और आई, आपको भी गोला बनाना है और मेरे को भी बनाना है, ये हो गया 2, ये हो गया 2, इसके बाद 2.6 सी एंड ई, ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया, और इसके बाद डी और ई, डी और ई, ये अपना फोर्थ हो गया, फोर्थ हो गया, और उसके बाद लास्ट में सी और डी, ये फिफ्थ हो गया। तो ये तीन से सबसे पहले सबसे बड़ा ले ले, सबसे बड़ा फिर सुनील जी फर्स्ट में है सी और आई, सी और स्मॉल आई, क्यों कितना है 7.2 सेंटीमोर्गन, समझने के लिए अपने लिख दिया छोटा सा इसको, फिर सेकंड सुनील जी ले लीजिए आप ई और आई, ई और आई, इसका मतलब इसके साथ में रिलेशन, और ये कितना दे रखा है इसने, ये दिया है 4.6, इसका 7.2 है, इसका मतलब आधे से थोड़ा सा इधर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, किसके बीच है सी और ई और आई, आई दे रखा है, ये ई हो गया, और ये कितना बता दिया ये इन्होंने, ये सुनील जी 4.6, अगर ये 4.6 है इसका मतलब 0.4 तो ये बच गया, 2 ये हो गया, 0.2 और हो गया, तो कितना हो गया 2.6, तो C और E देखो, ये देखो थर्ड वाला 2.6, बिल्कुल ये 2.6 आ गया, इतने में और आंसर आ ही है अपना, ये सही है, और ये काटते हैं अपन ने, ठीक है, नहीं नहीं ये तो अपनी अभी लिया ही नहीं है, फोर्थ वाला वो चला गया, ये चला गया, अब अगला ले लो, चलो अगला कौन है, कोड नंबर डी और ई, डी और ई, अब डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, अगर सपोज करो डी ये तिंद्र सर अपन इधर मानेंगे, डी इधर मान लिया, तो ये कितना बन गया अपना 2.4, ये अगर 2.4 बन गया तो अगला लास्ट में अपने को क्या दिया है, नंबर 5 सी और डी दिया है, सी और डी, तो 2.6 और 2.5 बनना चाहिए, लेकिन वो तो सबसे कम है, इसका मतलब डी की पोजीशन ये तो नहीं आएगी, डी की पोजीशन फिर ये आएगी भैया, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको, और डी और ई कितना है, डी और ई, सी और डी, सी और डी, सी और डी कितना, ये देंगे सर 0.2 बन जाएगा, तो डी और ई कितना आ जाएगा अपने पास में 2.4, ये टोटल 2.6 है, इसमें से 0.2 हटा देंगे तो 2.4 हो गया, बिल्कुल ये अपना कितना बच जाएगा 2.4, यानी फिर सुनील जी ये हो गया सी डी ई आई, या ई आई ई डी सी भी हो सकता है, क्यों आई ई डी सी भी हो सकता है, ऐसे देखते हैं ऑप्शन सी डी, लेकिन ई आई होना चाहिए था, ये गलत हो गया, और आई ई डी और सी करेक्ट ऑप्शन, सेकंड चला जाएगा, क्यों नेक्स्ट 188। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्राई हाइब्रिड इंडिविजुअली, लास्ट टू जीन आर कंप्लीटली लिंक्ड, इसने बता दी, मैंने सुनील जी ये दो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, और लाइन में एक मिनट, सो ये स्मॉल, सो ये स्मॉल हेटेरोजाइगस, ठीक है, तो ये इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जहां जिस जीन के बीच में आपको बता दिया कंप्लीट लिंकेज, तो वहां पर हाइब्रिड का नंबर, अगर ये वाली कंडीशन जो है ना बच्चों, अगर ये होती ना कैपिटल सी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड 0 आ जाता है यहाँ पर, लेकिन यही वाली कंडीशन अगर ये बन जाती कैपिटल सी स्मॉल सी, तो यहाँ पर N1 बराबर कितना आ जाता, यहाँ पर अपना 1 आ जाता, 1 एक हाइब्रिड है, और अगर कंडीशन आ जाती है अपनी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो हाइब्रिड 2 है, लेकिन लिंकेज होने के कारण अपने को पता है हमेशा ये कैसे जाएंगे, या तो कैपिटल बी ये जाएगा, या फिर स्मॉल सी ये जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी बनेगी ही नहीं, कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट एक साथ जा रहे हैं, मेल ड्रोसोफिला 2 ही गैमेट बन रहे थे, 2 ही केस यहां पर बनेंगे, तो कंप्लीट लिंकेज बता दें, और उसमें हेटेरोजाइगस 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कितने ही हेटेरोजाइगस हो, आपको N1 हमेशा क्या लेना है भैया, 1 ही लेना है, कंप्लीट लिंकेज कैसे बनाएगा, मतलब कि इनमें अगर नहीं है तो इनको तो अलग-अलग लिख दिया, बिल्कुल क्यों, हां, और अलग-अलग लिख के, और इसके दो केस बन गए, दो केस बन गए, एक तो कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी स्मॉल सी, बिल्कुल कैपिटल बी
कैपिटल सी और स्मॉल बी स्मॉल सी, यानी चार गैमेट बन जाएगा, चार गैमेट बन जाएगा अपना आंसर थर्ड। और इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप, जैसे इथन सर ने ये बताया, ठीक है, अगर फोर्क लाइन मेथड नहीं भी बनाओ तो अपन ने क्या बोल दिया, कंप्लीट लिंकेज। इसका मतलब एन वन बराबर कितना हो गया यहाँ पर, वन हो गया, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज है। इसका मतलब हमेशा दो हाइब्रिड हो, तीन हाइब्रिड हो, चार हाइब्रिड हो, वन ही आएगा। और ये जो एन टू है, ये एन टू तो अपने को पता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, ये अलग अलग जाएंगे, तो एन टू कितना आ जाएगा, वन। रिजल्टेंट एन कितना आ गया, एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू, वन प्लस वन, वन प्लस वन बोले तो टू। अब आप फॉर्मूला लगा दो, वो गैमेट वाला, टू की पावर एन, टू की पावर एन लगाया तो टू की पावर टू बराबर कितना आ गया, फोर। ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो या फोर्क लाइन से भी निकाल सकते हो। बस याद ये रखना है, जिसमें कंप्लीट लिंकेज बता दिया उसमें अगर दो हाइब्रिड है, एक हाइब्रिड है, तो तीन हाइब्रिड है, चार हाइब्रिड है, हमेशा एन वन क्या लेना है आपको, वन ही लेना है। इसमें गैमेट भी पूछ सकते हैं, तो गैमेट में देखना कि कौन से जीन लिंक्ड है। नेक्स्ट 189, तो बैट्सन और पनेट वाला ही जो अपने बात की कपलिंग और रिपल्सन के लिए है ना, और यहाँ पे क्या देखना कि सेलेक्ट द करेक्ट कपलिंग टाइप एंड रिपल्सन। तो दोनों डोमिनेंट साथ आ गए, दोनों रिसेसिव साथ, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ये हो जाएगा। तो ये जो है, ये तो सिस को बता रहा है, सिस को बता रहा है, और ये जो है ये ट्रांस को बता रहा है जी, ये ट्रांस हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन अपना वन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 190, ए कैरियर फीमेल विच प्रोजेक्ट जीन फॉर हीमोफीलिया। कैरियर फीमेल बोलती है, इसका मतलब ये लो कैरियर फीमेल, एक पर तो क्या है हीमोफीलिया, एक पर क्या है सर, एक पर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये रही है कलर ब्लाइंडनेस। ऑन अदर एक्स क्रोमोसोम मैरिज ए हीमोफिलिक मैन, ये हीमोफिलिक मैन के साथ में मैरी करती है। फाइंड आउट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनी सफरिंग फ्रॉम बोथ डिजीज, अब दोनों के लिए है गैमेट बना के, इसका मतलब है पहले बेटियां बना दे, बेटियां इधर बना देते हैं, बोलो या तो भगवान बनाते हैं या फिर टीचर। हाँ हाँ, अरे भैया थोड़ी देर में आप भी बनाने लग जाओगे। नेक्स्ट यहाँ एक्स एच एक्स एच, क्यों यहाँ पर एक्स एच एक्स सी जी, तो ये तो हीमोफिलिक एक ही डिजीज है उसमें, और ये कैरियर है, दोनों भी नहीं है क्योंकि दोनों के लिए कैरियर कैरियर है। अब लड़कों की बात कर लें, तो लड़कों की बात करें तो इन दोनों एक्स का इस वाई के साथ में, ये तो बन गया एक्स एक्स वाई वाई, और ये बन गया एक्स सी वाई, ये तो हीमोफिलिक है, ये कलर ब्लाइंड है। तो एक भी प्रोजेनी ऐसी नहीं है जिसमें दोनों डिजीज पाई, दोनों नहीं है, लेकिन एक जरूर है, लेकिन पूछा कि ऐसी प्रोजेनी जिसमें दोनों, जीरो परसेंट प्रोजेनी सफरिंग फ्रॉम बोथ डिजीज, तो 0% करेक्ट आंसर। ठीक भाई, नेक्स्ट 191 जी सर, ए मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मैन है ना एक्स वाई कलर ब्लाइंड वुमेन, तो नॉर्मल विजन मैन एक्स वाई और कलर ब्लाइंड वुमेन एक्स सी एक्स सी एक्स सी कर दिया, ठीक है, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग है ना, तो इसके अंदर अगर अपन लोग देखें तो जैसे लड़कियां बना देते हैं जी, और ये लड़का है, क्यों बिल्कुल इसी तरीके से एक्स वाई एक्स वाई। तो क्या पूछा है इसने, लड़कियां यतेंद्र सर, तो कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है दोनों में से, और दोनों ही जो लड़कियां वो कैरियर कैरियर है, कैरियर है, और लड़के सारे दोनों ही कलर ब्लाइंड है, लड़के 100% डिजीज है, कलर ब्लाइंड सन 50% कैरियर डॉटर नहीं 100% कैरियर डॉटर, ये गलत हो गया, 100% होना चाहिए था यहां पर, 50% कलर ब्लाइंड सन नहीं 100% होना चाहिए था जी, नॉर्मल मेल एंड कैरियर डॉटर नहीं, ये डिजीज कंडीशन हो रही है, कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाएगा। 192, ए मेल ह्यूमन इज हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन एस एस कैपिटल टी स्मॉल टी, बिल्कुल इट आल्सो होमोजाइगस फॉर हीमोफिलिक जीन, इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई, तो एक्स और क्या है वाई आर वाई, ये ले लिया, यानी सुनील जी तीन हेटेरोजाइगस हो गए, तीन हेटेरोजाइगस हो गए, और अपने से पूछा क्या है एस टी आर पूछा है, तो यहां से जब गैमेट बनेगा तो 50% तो कैपिटल एस आई 50% स्मॉल एस आई, अपने को तो स्मॉल एस लाना है जी, स्मॉलेस तो 1/2 चांस है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर स्मॉल टी लाना है अपने को क्योंकि स्मॉल टी पूछा है, 1/2 चांस है जी, यहाँ पर आर लानी है अपने को, इसका मतलब एक गैमेट में ये जाएगा एक में ये जाएगा, तो 1/2, और इनको तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, क्यों जी। नेक्स्ट 193 जी सर, यहाँ पे एक मिस्टर राज है जो हीमोफीलिया भी है और उनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है, अब यहाँ पर बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव जी, तो जैसे हीमोफीलिया के लिए मिस्टर राज के लिए अपन ने जीनोटाइप दिया, हिज फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, तभी बावड़ा बना रहा है, हाँ इससे अपने को वही एक उसमें आ गया जी, फिर पूछा कि राज के स्पर्म में जो रिसेसिव ये जीन है और एज वेल एज ऑटोसोमल हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो स्पर्म जो है
उसके अंदर हीमोफीलिया वाला और सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों का है, तो 1 बाई ये क्योंकि 100% है तो ये तो 1 हो गया और ये 1/2 हो गया, इसका मतलब है 50% चांस हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यतिंद्र सर यहां कह देता कि इस वाले केस में जो मदर है वो मदर सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है? अब हो सकता वो मो या हेट्रो, लेकिन यहां से क्लियर हो गई अपनी बात है क्योंकि मिस्टर राज को क्या बोला है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए डिजीज्ड बोला है। फादर कैसा है यतिंद्र सर? हेटरोजाइगस है, इसका मतलब फादर हेटरोजाइगस ये बना। तो सिंपल सी बात है, मदर कैसी रही है? मदर से कम एक तो आया ही मदर से, या तो ये रही होगी या फिर ये रही होगी, क्योंकि मदर को स्मॉल सी देना जरूरी है। तो होमो भी हो सकता है या हेट्रो भी हो सकता है, लेकिन मदर कैसी नहीं हो सकती, ये डोमिनेंट फॉर्म नहीं हो सकती। क्यों जी? तो आंसर इसका थर्ड चला जाएगा, 194। ये जीनोटाइप ऑफ फादर एंड चाइल्ड, ये पहले भी आपको बता दिया है फिर भी कर देते हैं। चलो फादर का क्या बोल रखा है यतिंद्र सर? आईबी यानी बी ब्लड जी, और बच्चे का क्या बोल रखा है? I0 और आईबी। अब मदर की केस की अगर बात कर लूं यतिंद्र सर, तो मैं एक एक केस की बात कर लेता हूं बच्चों को, चलो डिटेल में ही कर देते हैं। या तो ये हो सकता है या फिर IA स्मॉल आई ये हो सकता है, बी की अगर बात करें तो IB ये हो सकता है या फिर IB स्मॉल आई ये हो सकता है, AB की बात करें तो IA IB ये हो सकता है, O की बात करें तो स्मॉल आई ये हो सकता है। अब इधर से तो बी आ गया, अपने को ओ चाहिए इसमें। बिल्कुल, तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो फादर है ये इसको क्या देगा? आईबी देगा। तो I0 कहां कहां से मिल सकता है? इससे नहीं मिल सकता, इससे मिलेगा, यहां से मिल सकता है, इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे मिल सकता है। नहीं, फिनोटाइप तो सुनील जी ए बी ओ और जीनोटाइप भी 1 2 3, तीन जीनो तीन फिनो। बिल्कुल करेक्ट आंसर, थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट 195 जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 195। तो इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, की महिलाओं पे ही ये आरोप लगता है कि लड़कियां यही पैदा करती हैं, लेकिन उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए वो होगा जो हेट्रोगेमेटिक होगा, हेट्रोगेमेटिक होगा है ना। तो जो मेल है उसमें एक्स और वाई होता है जी, और फीमेल जो है उसमें एक्स एक्स कंडीशन। या मैं ये कह दूं कि किस टाइप का स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा वो डिटरमाइन करेगा सेक्स कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के स्पर्म बन रहे हैं ना, एक्स बनेगा और वाई वाई वाला। बिल्कुल, और यहाँ पे एक ही टाइप का एक, बिल्कुल, तो ये जो है डिटरमाइन करेगा यानी मेल के रिस्पेक्ट में ये होगा। बिल्कुल, ऐसा ही देखना है। हाँ, डिफेक्ट तो कुछ है नहीं और स्पर्म में भी कोई डिफेक्ट नहीं है, ये ए स्पर्म ये कह रखा है स्पर्म ही नहीं बनेगा, तो कौन सी सेक्स डिटरमिनेशन की बात करोगे भैया? ठीक है, और ये जो ब्लेम की बात आ रही है ना, ये ब्लेम भी कौन देते हैं? जो पुराने समय की जो सास हुआ करती थी वो दिया करती थी, कहने का मतलब है जो बेटे की माँ हुआ करती थी या लड़की की जो सास हुआ करती थी वो ऐसा कहती थी मेरे बेटे में तो कोई कमी नहीं है, तेरे में ही कमी है। या आज के टाइम में जो एजुकेटेड नहीं है। हाँ, भी ऐसी ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इसमें जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग, बिल्कुल ये वाला डिटरमाइन करता है कि क्या बनेगा। अगर ये इसके साथ चला गया तो एक्सएक्स बनेगा, और ये अगर आ गया इसके साथ में तो फिर क्या बनेगा भैया? बेटा बनेगा। कहने का मतलब है बेटी बनेगी या बेटा बनेगा ये भगवान डिसाइड नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये स्पर्म डिसाइड करेगा। भगवान तो केवल इतना डिसाइड करेगा कि कौन सा स्पर्म जो है कौन से ओवा को फर्टिलाइज करता है। अरे बोलो भाई, तो आंसर अपना कौन सा लगेगा? इसकी चांसेस 50-50% ये 50-50। क्यों? 196 ए वुमेन विद नॉर्मल विजन, वाह वुमेन विजन की बात है, इसका मतलब एक्सलेंट हो जाएगा। क्यों? बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, इसके पिताजी कैसे रहे थे? कलर ब्लाइंड रहे थे, तो इसका मतलब इसने ये कलर ब्लाइंड की एक एलील है, हेटरोजाइगस। मैरिज ए कलर ब्लाइंड मैन, इसकी मैरिज होती है इस मैन के साथ में, ये भी क्या है? कलर ब्लाइंड है। सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज ए बॉय, पहला हो दूसरा हो तीसरा हो चौथा हो, टीम तो बनानी नहीं है भैया यहाँ पर, ठीक है? तो चौथा जो बच्चा है वो कैसा है, कैसा होगा? तो लड़के की बात करनी, 50-50 चांस है। बिल्कुल, तो हर जनरेशन में जो है वो लड़की बने 50% चांस है, लड़का बने 50% चांस है, ठीक है? अब ये कह रहा है फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज अ बॉय, दिस बॉय, अब ये कैसा होगा? तो लड़के कौन से बनेंगे वो देख लो आप, लड़के एक्स और वाई बनेगा एक लड़का तो, और एक लड़का बनेगा एक्स सी वाई बनेगा, तो ये दो ही लड़के बनेंगे 50% नॉर्मल 50% चांस है कि लड़का कलर ब्लाइंड बन जाए। मस्ट हैव नॉर्मल, नो
विल बी पार्शियली कलर ब्लाइंड, मतलब नहीं है मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल 50-50 क्यों जी 197 जी सर द जीन विच रिमेन कन्फाइंड टू डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम है ना तो ये जो है वो होलेंड्रिक जीन कहलाते हैं होलेंड्रिक जीन क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई उनका कुछ पार्ट तो एक दूसरे से सिमिलर होता है ठीक है और वाई क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डिसिमिलर होता है एक्स क्रोमोसोम से वो डिसिमिलर पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम क्या कहलाता है डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम कहलाता है उस डिफरेंशियल रीजन पे केवल वही जीन पाई जाएंगी जो किस पर नहीं पाई जा रही है एक्स पर नहीं पाई जा रही है और ये ऐसी जीन क्या कहलाती है होलेंड्रिक जीन कहलाती है जैसे हाइपरट्राइकोसिस की बात है इनहेरिटेंस होलेंड्रिक टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो भी डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई पर मिलेगा होलेंड्रिक जीन डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई पर मिलेगी नेक्स्ट 198 एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई और इसकी तीन एलील है सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील जीनोटाइप कितने बनते हैं भैया 6 बनते हैं फेनोटाइप 4 बनते हैं फॉर्मूला लगाने शुरुआत में बात कर चुके हैं बहुत बार कर चुके हैं ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा 199 जी सर ए वुमन विद नॉर्मल विजन मैरिज विद ए मैन विद नॉर्मल विजन ठीक है गिव बर्थ टू ए कलर ब्लाइंड सन यानी ये हेटेरोजाइगस है क्योंकि बच्चा कैसा बन रहा है कलर ब्लाइंड सन है ना इसका मतलब एक्स सी वाई कंडीशन बन रही है एक्स सी वाई कंडीशन बन रही है इसका मतलब ये मदर से आया होगा लड़की के पास तो एक्स सी एक्स और दूसरा फादर जो है वो नॉर्मल बता रहे हैं फादर से तो वाई जाता है वाई जाएगा फिर आगे देखते हैं कि उसका जो हस्बैंड है वो मर गया है उसके बाद में उसने मैरिज की कलर ब्लाइंड मैन से यानी यही महिला जो है अब उसकी शादी इससे क्यों फिर पूछा है What is the probability of her children having abnormality? ठीक है क्यों? पहले बेटियां बना दे तो बेटियों में XCX और ये वाली कंडीशन XCX यानी 50% कलर ब्लाइंड और 50% कैरियर कैरियर और इसी तरीके से सन की अगर बात करें तो 50% नॉर्मल और 50% डिजीज ऐसा देखना तो अपने को क्या हो गया 50% कलर ब्लाइंड सन बनेंगे ठीक है 50% कलर ब्लाइंड डॉटर बिल्कुल तो यही करेक्ट हो गया करेक्ट पूछा है करेक्ट पूछा ऑल सन कलर ब्लाइंड नहीं भैया वहां पर देखो डिफरेंट है 50% ही है ऑल डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं 50% सन कलर ब्लाइंड ये बात तो सही है लेकिन ऑल डॉटर नॉर्मल है तो इसमें इसके पति को बेचारे को पहले पति को मार दिया और दूसरे पति से शादी के बाद में रिजल्ट पूछा है बिल्कुल बिल्कुल भैया वैसे जितेंद्र सर इन्होंने क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि पहले वाले पति को मार दिया गया वो नेचुरल डेथ भी हो सकती है पहला वाला पति मर गया हाँ नहीं नहीं आजकल बच्चे थोड़े से एडवांस हो गए बोले हो सकता है ये जो दूसरा वाला हस्बैंड हो ये कहीं ना कहीं मित्र रहा हो तो पहले वाले को मार दिया हो ऐसा कुछ नहीं है भैया ठीक है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसको अप्रोच करना है आपको सिंपली आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 200 One of the gene present exclusively on X chromosome in human is concerned with केवल X chromosome इसका मतलब allosomic पता नहीं है autosomal नहीं होना चाहिए वो आपको याद करना पड़ेगा कि autosomal कौन है allosomal कौन है baldness की जीन autosomal है auto है facial hair या moustache चेंज ये auto है night blindness auto हो जाएगा क्यों ये हाँ और इसके अंदर आपका जो color blindness की X-linked कहलाती है तो correct option अपना second चला जाएगा तो आज के जो 200 तक क्वेश्चन थे ये हमने आपको नो डाउट काफी थोड़ा सा लेंथी रहा आज का लेकिन अच्छा न्यूमेरिकल पोर्शन है ये मान के चलें ये जो 7 वीडियो आपको मिलेंगे जेनेटिक्स के इसमें सबसे परफेक्टली न्यूमेरिकल वाइज जो है वो आज का लेक्चर इसमें काफी इंपॉर्टेंट ठीक है लंबा तो हो गया हाँ लंबा हो गया कोई दिक्कत नहीं है आप इसको जो नो डाउट एकदम कंसंट्रेट होके अपनी कॉपी लेकर उस कॉपी में न्यूमेरिकल को जो है नोट डाउन करके अच्छे से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन दो बार भी देख लेंगे हाँ दो बार देख सकते हैं तो इजाजत चाहेंगे बच्चों ओके थैंक यू जेसीएलसी